जय श्री कृष्ण। वही एक मिनट और राह देख कर ध्यान आरंभ करते हैं। चलो 3 बज गए, समय से कार्यक्रम को प्रारंभ हो। जो जहां जैसे है वहीं पर, हो सके तो आंखें बंद, ध्यान अवस्थित तद्गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। अब उपनिषदों में योगियों की स्थिति का वर्णन किया, हम भी उनके मार्ग पर अनुसरण करें। योग ध्यान की अवस्था में, जहां मन विलय होता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं नमः, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा। श्रुतियों में, स्मृतियों में, पुराणों में है। ऐसी स्थिति में, ऐसी जगह पहुंचे जहां जाकर वाचा अर्थात वाणी निवर्तन थे वापस लौट कर आती है। कुछ वर्णन नहीं कर सकती, अर्थात वहां तक वाणी पहुंच नहीं सकती, जिस स्थिति में जो अनुभव किया ध्यान की अवस्था में, वहां से लौट कर फिर प्रकट नहीं हो सकती। अप्राप्त मनसा सह, मन और वाणी ऐसे स्थिति में पहुंचे, धीर गंभीर ध्यान अवस्था में, जहां से लौट कर आना असंभव, अर्थात व्यक्त होना, प्रकट होना असंभव। पंद्रहवें अध्याय में भगवान कहते हैं पुरुषोत्तम योगी में ऐसी जगह पे वह मेरा भक्त, ज्ञानी भक्त पहुंच जाता है, मुझे पुरुषोत्तम का अनुभव करके उस मेरे धाम तक आ जाता है, जहां से फिर उसे लौटना नहीं पड़ता, और वो लौटना चाहता भी यहां से लौटा नहीं जाता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे गमनम, ऐसा नहीं होता। फिर से गर्भ प्राप्त हो, फिर से जरा हो, व्याधि हो,
फिर से मृत्यु को प्राप्त हो, फिर से तड़प हो, तरस हो, ऐसा नहीं होता आत्मा पुनरपि जननी जठरे गमनम, जो भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, जो अभी भ्रमिष्ट बुद्धि हुई है, भ्रम को जिसने इष्ट माना वह भ्रमिष्ट, भ्रम अर्थात इल्यूजन माया, दैट विच इज नॉट को जिसने दैट विच इज समझा उसे कहा भ्रमिष्ट, इष्ट इज फेवर्ड फेवरेबल, भ्रम इज इल्यूजन इल्यूजरी, जैसे मृग जल मिराज भागते ही गए उसको जल समझकर आखिर गला सूख कर थक कर मर गए, क्योंकि भ्रमिष्ट हुए, भ्रम को अपना इष्ट माना। तो मूढ़ मत था जिसकी मति मूढ़ हो गए, भ्रमिष्ट हो गए, ब्रह्म को ब्रह्म मान लिया, ब्रह्म को इष्ट मानने की जगह ब्रह्म को इष्ट माना, ब्रह्म निष्ठ होने की जगह ब्रह्मिष्ट हो गए, ऐसी मति को श्रीमद् आद्य शंकराचार्य हिंदू धर्म के धुरंधर आद्य संरक्षण प्रवर्तक कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, अन्यथा यह संसार बहुदुखहर, नहीं नहीं रक्षति डुकुरं कर्णं, ये जगत की व्याख्या इंफॉर्मेशन इधर उधर की माहिती, इससे रक्षा नहीं होगी, तो उस गोविंद का भजन करे, अपनी आत्मा की शुद्धि करे ईश्वर का नाम लेकर, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भगवान 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग में अंतिम उपदेश में यह कहते हैं, ब्राह्मण इसमें भी ब्रह्म आ गया, यंत्र रूढ़ानि माया घट यंत्र की नहीं, लाइक द फेरस व्हील इन एन अम्यूजमेंट पार्क गोइंग अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन बट रियली नोवेयर, ऐसे ईश्वर सर्वभूताना सभी के कोर में हृदेश द कैविटी ऑफ द हार्ट अंगुष्ठ मात्र पुरुषम चिन्मयम हृदय सर्वदा, भगवान शिव जी पार्वती माता स्कंद पुराण में कहते हैं, इन द कैविटी ऑफ द हार्ट चिन्मय पुरुष है, चेतना है, चैतन्य है, जिसके गुण ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यश श्री समुदायतम, जो ज्ञान से परिपूर्ण है, जो जानना आवश्यक है वो सब जानता है, हमें केवल उस हृदय की गुफा में प्रवेश करके उससे पहचान मात्र करनी है, उससे प्रार्थना मात्र करनी है, उससे प्रश्न मात्र करना है कि भगवान हमें बता, रिवील द नॉलेज टू मी, Reveal yourself to me. Reveal myself to me. जैसे दर्पण के सामने गए तो आईने को कहने की भी जरूरत नहीं कि मुझे दिखाओ मैं कौन हूं कैसा हूं, ऐसे ही जो ध्यान द्वारा हृदय के गुहा के द्वार तक पहुंचा उसे कहने की भी आवश्यकता नहीं
कि मुझे अपना दर्शन कराओ, आत्मा दर्शन कराओ। आईने के सामने जो खड़ा है उसे अपना दर्शन तो स्वयं प्राप्त है। तो श्रुतियों ने स्मृतियों ने कहा ध्यान अवस्थित गति मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, पश्यन्ति अथवा देख पाते हैं, जैसे आईने में देख पाते हैं अपना रिफ्लेक्शन, ऐसे ध्यान अवस्था में अपने हृदय की गुहा में देख पाते हैं अपना आत्मदर्शन, आत्मा का साक्षात्कार कर पाते हैं। स अक्ष, अक्ष मतलब आंखें, स अक्ष आंखों सहित, जैसे आंखों से देखा जाता है वैसे देखने को कहते स अक्षात, साक्षात आकार, फॉर्म फॉर। To getting into the habit of going inside, going within, dhyana dwara. Anyatha, jise maine pehle sutra mein kaha tha, iske pehle ke, kabira kutte ki dosti, do baju janjaan, rije to munh chaate, कीजे तो पैर काटे। जो भीतर की यात्रा न कर पाए कुत्ते की नाए बाहर की ओर ही दौड़े। सेलिब्रेटिंग फॉर एवरी बोन इन साइट, वो तो थकता रहे भागता रहे, ऐसे कुत्ते की दोस्ती कबीर जी कहते हैं। दोनों ओर से मुसीबत लाए, दो बातों बन जाए, संसार हमसे रीझ जाए तो सिर पर चढ़ के मुंह चाटने लगे, अपनी गंदगी हमें झेलनी पड़े। और नाराज हो जाए तो पैर काटे, उससे तो बेहतरीन अंदर की यात्रा करे, अपने आप का दर्शन करे। Hence, Gita reflection. Take a minute of prayers for work. Aur shanta chitta. जय श्री कृष्ण। तो जैसे मैंने मैसेज में कहा था, सातवां अध्याय हमने पिछली बार समाप्त किया था, समाप्त होने आया था, शॉर्टकट लेके जैसे हमने समाप्त किया, किंतु आज समय है तो वी विल गो बैक एंड प्रॉपरली फिनिश इट। वी डोंट टेक शॉर्टकट्स in these reflections. Jahan tak ho sake we take the longer, the scenic routes. We go all over the place. To pichli baar jab humne saatva adhyay roka tha, we had discussed shlok number 28. 30 shlok hai isme. Yesham tvantagatam papam jananam punya karmana ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। यहाँ तक चले थे कि जिनके अंत में प्रयास पूर्वक साधना मार्ग से हमने परिभाषा करी थी कि जो साधक होता है वो साधन की उपलब्धि से साधना करके साध्य के निकट पहुंचकर सिद्ध हो जाता है। इस यात्रा को का प्रयास करते करते अंत में ये शाम तू अंतगतम, इन द फाइनल लैप, अंतगति अर्थात द फाइनल लैप ऑफ दिस रेस,
दिस रन जनानाम पुण्य कर्मणाम दीज आर द लैप्स पुण्य कर्म के पुण्य कर्म अनेक प्रकार के पुटिंग अदर्स फर्स्ट इज अ पुण्य कर्म बड़े में बड़ा पुण्य कर्म केवल याद दिलाने के लिए कहता हूं कि अपने आत्मा की पहचान सबसे बड़ा पुण्य कर्म शास्त्रों में ने कहा कि अपने आप को शरीर न मानना अपने आप को मन न मानना इंद्रिया न मानना केवल बुद्धि अथवा प्राण तक स्थित न रहने देना इन सब को जो चलाने वाला इन सब का नियंता इन सब का शास्ता जो आत्मा उसके साथ अपना तादाद में उसके साथ अपनी पहचान उसके साथ अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करना यह पुण्य कर्म जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता ओ द्वंद्व से जो मुक्त हो गए द्वंद्व अर्थात दू अंदर जिसके गया दो अंदर में दो बैठ गए रिलेटिविटी हो गई अगेन एंड अगेन कंपैरिजन जिसका होता है ड्यूअलिटीज जिसमें होती है जिसके जीवन में तरस होती है तरस कैसी कौन सी तरस तमस का त रजस का र और सत्व का स तरस हम तरस्त क्यों हैं कौन तरसता है जो तमस में अथवा रजस में अथवा सत्व में फंसा है तमस रजस सत्व तरस तो जिसकी तरस कम हो गई अथवा अंत होनी हुई जो द्वंद्व से मुक्त है द्वंद्व मोह मोह का जो द्वंद्व है मोह अर्थात मेरा तेरा अगेन रिलेटिविटी फॉरसेकिंग द एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेटिंग कॉन्स्टेंटली अगेन एंड अगेन अडिक्टेड टू द रिलेटिविटी बार बार रिलेटिविटी में जो जाता है मेरे तेरे अपने दूसरे की बातों में उनसे जो मुक्त है भजन्ते माम दृढ़ व्रता वो मेरा भजन करते हैं दृढ़ता पूर्वक यहाँ पर दो बातें आती है भजन अर्थात शास्त्रों के अनुसार रस है भजन खाली सुर से अथवा बेसुर से ज्यादातर जैसे भजन गाए जाते हैं केवल गाना बजाना इसे भजन नहीं कहा आजकल की फैशन है भजन को रसनम लक्षणम भजनम कहा भक्ति मार्ग के आद्य गुरु नारद मुनि ने नारद भक्ति सूत्र रसनम लक्षणम भजनम जिससे रस आए जिसे अपने आप रस की प्राप्ति हो तो जो भगवान में इस विचारों में जिसको रस आने लग जाए बार बार उधर मन जाए अपने आप मन जाए भजन्ते माम दृढ़ और जो दृढ़ हो थोड़ी थोड़ी बातों में छोड़ न दे प्रयत्नशील रहे प्रयास पूर्वक द वन हु फिनिशेस द फाइनल लैप ये ना हो कि फाइनल लैप तक पहुंच गए तो अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करके बाजी हो गए फिनिशिंग व्हाट वी स्टार्ट द फैक्ट दैट वी आर बॉर्न इज सजेस्टिव ऑफ दैट वी हैव बिगन समथिंग प्रारंभ न होता तो जन्म ही न होता किसी कुछ प्राप्ति के लिए अगर हम भागते न होते तो जन्म ही न होता जब प्राप्ति हो जाए तो फिर से जन्म की आवश्यकता ही नहीं जन्म हुआ है इसका अर्थ ही ये प्रत्यक्ष साबूत है दिस इज द रियल प्रूफ दैट वी आर स्टिल सीकिंग समथिंग वी आर स्टिल रनिंग आफ्टर समथिंग स्टिल चेसिंग आफ्टर सम इल्यूजन समथिंग सम विजन सम फुलफिलमेंट तो इस पर दृढ़ व्रती होकर द्वंद्व से मोह निर्मुक्त हो जाए यहां तक हम चले थे आज के दो आखिरी श्लोक है जरा मरण मोक्षाय मामा श्रित यतंतिते जरा और मरण जरा को काल कन्या कहा है यम संहिता नाम के शास्त्र में यमराज का जो कहना जरा को कह दे उसकी कन्या है और भय उसका पुत्र है भय और जरा को भाई और बहन बताया यम संहिता में जरा मतलब डेग्रेडेशन बुढ़ापा
जर्जरित होना, constantly becoming less and less and weaker, और अंत में मरण से जरा से भय होता है, भय से जरा होती है, संकेत है how stress से बुढ़ापा आए, डेग्रेडेशन हो, और हाउ डेग्रेडेशन से स्ट्रेस आए, और जहां पर भाई और बहन दोनों हैं वहां पर उनका बाप यमराज भी आ जाए। मरण जरा मरण मोक्षाय माम आशित्य, है ना। सो अगेन जरा इज द डॉटर ऑफ यमराज, द डॉटर ऑफ डेथ, डेग्रेडेशन शरीर का। सो इससे छूटने के लिए, जरा से और मरण से छूटने के लिए जो यत्नशील है, प्रयत्न कर रहा है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, छूटना मोक्ष अर्थात मुक्ति छूटना के लिए जो प्रयत्नशील है, माम आश्रित्य यतंतिते, जो मेरे प्रयत्न यही है, जो मेरे शरण हो, माम आश्रित्य, भगवान कहते मेरे आश्रय होकर, मेरे साथ अलाइन होकर, I have created a clear path. I have paved a highway to moksha, a raj marga to mukti, liberation. But you will have to walk on that path. You will have to ride that. You will have to follow the rules of the road. और उसे शरणागति कहा ना, कि बार बार मैं कहता हूँ शरणागति को, भगवान ने कहीं नहीं कहा कि घुटने टेको, नाक रगड़ो और मेरी जय कहो। अलाइनमेंट को शरणागत कहा है। जैसे मछुआरा म्यूट, एवरीवन म्यूटेड, पापा हियर, जैसे मछुआरा जाली फेंके तो अपने पैरों में जाली ना डाले कभी, मछुआरा अपने से दूर जाली फेंके, अपने पैरों में ना डाले, तो बुद्धिमान मछली कहते हैं वो मछुआरे के चरणों में जाके बैठ जाती है, तो कभी पकड़ी नहीं जाती। माम आश्रित्य, राम चरणों में जो आया उसे न लगे ये माया, जिसकी ये माया है उससे जो दूर जाए, जो हमारी छाया हमारे सामने अगर भागती दौड़े और वो कभी पकड़ी न जाए, लेकिन हमारे चरणों के नीचे जो छाया है वो हमें प्राप्त है, उसको हम प्राप्त है। लुक एट द शैडो राइट अंडर आवर फीट, इट इज कनेक्टेड विद अस, दैट इज द ओनली पार्ट ऑफ द शैडो, the shadow of our feet that is truly connected, literally connected with us. Shadow hote hue bhi connected hai humse, chaya hote hue bhi, maya hote hue bhi mayapati se jo uske charno mein hai, isliye charno ka mahatva hai. Maam aashrita, wahi jante jo mere sharan hokar, ye sunakar, translation hindi mein, jo mere ये पढ़कर सुना रहा हूं, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। इधर आके सब प्राप्ति होगी, भगवान कहते हैं, इफ यू अलाइन विद मी, इफ यू बिकम वन विद मी, मम साधर्म मागता सर्गे न उपजायते प्रलय न व्यथंति च। 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योग तीसरे श्लोक में भगवान यही बात फिर से कहते हैं, तीन बार बात ये बात कही भगवान ने, यहाँ पर दूसरी बार आई और एक बार 14वें अध्याय में आएगी, कि तो फिर सर्ग मतलब सारी सृष्टि बनेगी तब भी तेरा जन्म नहीं होगा, प्रलय में भी व्यथा नहीं होगी, ये तो वायरस की तो क्या बात है, लॉकडाउन क्या, प्रलय में भी व्यथा को नहीं प्राप्त होगा, महाप्रलय भी होगा, तेरे इर्द गिर्द सब डूबता हुआ दिखेगा, प्रलय होगा, प्रलय न व्यथंति च, प्रलय के समय भी बताने क्यों, क्योंकि मम साधर्म मागता, क्योंकि तुम मेरे साधर्म का, you will have what I have, you will feel what I feel, you will experience what I experience, you will be like me, you will be in me, you will be looking at the world through my eyes, you will be understanding the world through my intuition to the whole creation. इतनी बड़ी उपलब्धि है गीता की प्राप्ति करा सकती है, if you are willing to go sharan, if you are willing to align, in other words, if you are willing to keep an open mind,
वही इस ब्रह्म को जान पाते हैं, वही प्राप्ति कर पाते हैं जो अभी हमने सुना, और वही संपूर्ण अध्यात्म को कर्म को जानते हैं। और आखिरी श्लोक में कहा, जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात मुझे प्राप्त हो जाते हैं। साधिभूतम अधिदैवम माम साधि यज्ञम चये विदु, अंत काल में भी प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतसा। प्रयाण मतलब जाना, छुट्टी कराना, निकल जाना, खत्म होना, उस समय तक भी जो उनकी स्थिति रहती है युक्त चेतसा होते हैं, मतलब कनेक्टेड, उनकी चेतना मेरे से कनेक्टेड होती है। जैसे हमने रात के अंधेरे में अपनी गाड़ी का हेडलाइट लगा दिया और अपने फ्लैश लाइट निकाल के उसको भी फ्लैश कर दिया, तो वो फ्लैश लाइट का लाइट और गाड़ी की हेडलाइट का लाइट एक हो गए, दोनों मिल गए। तो फ्लैश लाइट की छोटी सी चेतना, अभी हम सूर्य को दिया दिखाए, इस समय सूर्य तप रहा है ऊपर, उसको दिया दिखाए ओम भूर्व स्वाहा करके, उसका प्रकाश और सूर्य के प्रकाश में मिल गया, उसकी छोटी सी चेतना, उसके छोटा सा प्रकाश इतने बड़े महान प्रकाश में मिल गया। ऐसी ये जो छोटी लिमिटेड चेतना है इस जीवात्मा को प्राप्त होती, वो उस महत प्रकाश में प्राप्त हो जाए, मिल जाए, उसे कहे युक्त चेतसा, चेतना युक्त हो गई, वेल्डेड टुगेदर। ये शब्द और एक बार आएगा, युंजन मदाश्रय, मेरे साथ वेल्डेड टुगेदर है, मेरे जो आश्रयभूत होता है, जो विलिंगली अलाइन होता है, आश्रय तभी ना, जो विलिंग है, जबरदस्ती से ढकेला गया नहीं, रेफ्यूजी हॉस्टेज नहीं है, दिस इज नॉट ए हॉस्टेज सिचुएशन, हाईजैक नहीं किया भगवान ने, उल्टा किया, छोड़ दिया अपने जीवात्माओं को, जाने दिया, जिधर जाना है जाओ, जो करना है करो, लेकिन जो विलिंगली अलाइन हो जाए, उनकी शरण में आए, उनके लिए बात कही जा रही है, तो वो युक्त चेतसा हो जाए, उनकी छोटी सी चेतना ब्रह्म चेतना में हो जाए, तो फिर ब्रह्म का अनुभव उनका अनुभव हो जाए, ऐसी बात भगवान करे। जो 10 दिए लगाए तो कौन जाने कौन सी दिए का कौन सा प्रकाश, कोई कौन कह सके ये सूर्य का प्रकाश है, ये दिए का प्रकाश है, तो फिर दोनों का माल एक हो गया। भागवत में कथा आती है ना, कृष्ण और सुदामा जब मिले तो सुदामा ने तीन मुट्ठी पोहे लेके गए, और ये कृष्ण महाराज दीवाने उसको तिलोकी देने को चल पड़े, स्वर्ग भी दे दिया, पृथ्वी का राज भी दे दिया, तिलोक भी मेरा, वैकुंठ भी देने को चले, तो रुक्मिणी माता सब पर उपकार करने के लिए उसके हाथ को रोक लिया, भगवान को ये क्या कर रहे हो, ये कैसा फेयर है कि तुमने तीन मुट्ठी तुमको पोहा दे दिया, तुम उसको तीन लोक दे रहे हो, दिस डजंट मेक सेंस, दिस इज नॉट बैलेंस, दिस इज नॉट फेयर, यू शुड नॉट डू दिस, दिस इज नॉट इक्विटेबल, आजकल बहुत इक्विटी इक्विटी चल रही है ना, दिस इज इनइक्विटेबल, ये तो बहुत इनइक्विटी हो जाए, तुमको देना है तो तीन मुट्ठी सोना दे दो, जो धन दे दो, तीनों लोक कैसे दे रहे हो, आई डोंट गेट दिस। तो भगवान कहते हैं ऐसे नहीं मैं सोचता है, तो सबसे इक्विटी द ओनली वे, दिस इज उसके पास जितना था, जो भी लाया उसके पास जितना था सब मेरे को दे दिया, अब मेरा कर्तव्य बनता है मेरा जो है वो उसको सब दे दो, ऐसा नहीं, ये तो इक्वालिटी की बात नहीं है, इक्विटी की बात है। Everything that my friend has, my devotee has, he has given to me. Therefore, the only fitting reciprocation is everything that I have, that is mine, I should give to him. ऐसी बात हो जाए, वो जो भक्त और भगवान एक दूसरे के गले मिले तो आजू बाजू के लोग कहने लग गए कि इनमें से कृष्ण कौन सा और सुदामा कौन सा है, पता नहीं चल रहा, इतने चिपक गए, इतने एक दूसरे के गले मिलकर रो रहे कि कौन सा भक्त और कौन सा भगवान, जो इसका है वो उसका है, जो उसका है वो इसका है, एक हो गया। ऐसी बात भगवान सामने से हमारे सामने बार बार कहे जा रहे कि आजा बेटा जीवात्मा आजा, ये मेरा नहीं, ये मैंने हाथ ये रख रख रोक के नहीं रखा, तेरे लिए है, ये केवल ज्ञान की बात, समझ ले तेरा है ही, फिजिकली देने की बात नहीं है, ये है ही, समझने की बात है केवल। और जो मेरा सब कुछ है समझ गया तो फिर सब मांगना भीख मांगना बंद हो गया, किसी दूसरे से और कुछ मिले और इकट्ठा करे और जमा करे अपने वालों के लिए, ये सब बंद हो गया फिर जिसके बुद्धि में प्रकाश हो गया। तो ये बड़े महत्वपूर्ण है, ये अंतिम क्षण तक प्रयाण काले अपि च माम,
ते विदुर युक्त चेतसा, वो पूरे वो साथ नहीं छोड़ती, उनकी चेतना मेरे अलग नहीं होती, वो फ्लैशलाइट और हेडलाइट अलग नहीं होती, क्योंकि वो मेरे साथ अलाइन, पैरालैक्स रिमूव हो जाता है. इफ यू रिमेम्बर हाई स्कूल फिजिक्स, देन द पैरालैक्स इज रिमूव्ड, दे ट्रैवल टुगेदर, राइट, इन टैंडम, दे गो वेयरएवर दे गो टुगेदर, दे आर नॉट सेपरेट, अपना अलग अपना अपना डांस नहीं करते ऐसे. सो यहाँ पर सातवां अध्याय समाप्त होता है. व्हाट आई डिसाइडेड टू डू टुडे because you kindly continue to give me the liberty, आप लोगों का अधिकार है, आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं आगे चलो पीछे हटो या जो भी, मैं तो आपके सेवा में हूँ. By the way, feel free to say anything that if you want some other chapter or anything like, जो भी आपकी demand हो, जो भी आपकी इच्छा हो, अन्यथा मैं अपने मन की मनमानी करता जाऊँ. I was thinking कि इस ये सातवां अध्याय हमने इसलिए शुरू किया था कि जब वर्चुअल सेशन शुरू किया तो गेन्सविल का सातवां सेशन चल रहा था, we were about to finish, and everyone else who is not from Gainesville also joined and jumped on it. So therefore, for the benefit of those who are not from Gainesville, what I will like to do today is go back just a few shloks, pick a few select shloks from the seventh chapter today, ताकि वो context मिले, the reference to context, ये सातवें अध्याय में था क्या, है क्या, किसकी कैसी बात चल रही है, और हो सके तो गेन्सविल वाले लोगों को भी रिविजन हो जाए, रिफ्रेश हो जाए. एंड सो आई एम गोइंग टू गो बैक टू द फर्स्ट श्लोक एंड पिक मे बी 5-6 श्लोक्स एंड सॉर्ट ऑफ रिवाइज दोस एंड वी विल कम बैक हियर एंड दैट्स वेयर वी विल स्टॉप, ट्रूली स्टॉप द 7th चैप्टर. आई डोंट थिंक एनीवन विल रिग्रेट बिकॉज दिस इज अ लोडेड चैप्टर, ज्ञान विज्ञान योग. एंड द पीपल इन दिस साधक्स इन गेन्सविल माइट रिमेंबर, इसकी खासियत एक है कि ये पहला, आई डोंट नो इफ एनीवन रिमेंबर्स, but because I've muted everyone, I'll just speak on your behalf. Iski khasiyat ye, iska translation to hota hai, the science and the technology. Understand, like becoming one with God, understanding the science and application of how do you unite with God, or how do you, ye Brahmi chetana kaise prapt ho? How are you able to identify with the broader vision, with the oneness, with the unity consciousness? You know? That's the title of this chapter. इसमें एक खासियत ऐसी है कि इसमें केवल दो श्लोक है सारे अध्याय में जिसमें भगवान अपने विषय में बात नहीं करते. बाकी एवरी अदर श्लोक ही रेफरेंसेस, ही पॉइंट्स टू हिमसेल्फ, या तो मैं या मेरा, मुझका, मेरे साथ, मेरे लिए. पढ़ के देखना, अभ्यास करके देखना सातवें अध्याय में. दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट प्लेस व्हेन ही टॉक्स सो मच अबाउट हिमसेल्फ. After such a long time, छठे अध्याय ध्यान योग तक साधना की बातें थी, ज्ञान की बातें थी, कर्म की बातें थी, संन्यास की बात थी, आत्मा की बात थी, है ना, ज्ञान योग, आत्मयोग, सांख्य योग, एनालिटिकल स्टडी की बात थी, ज्ञान कर्म संन्यास योग, आत्म संयम की बात थी, योग थी. इसमें जब बात हुई ज्ञान विज्ञान की तो एकदम तुरंत भगवान अपने विषय में बात करने लगे. सो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट चैप्टर इन दैट सेंस. और शुरू से ही धड़ाका हो जाता है. जैसे हम दिवाली के पटाखे फोड़ते हैं तो धीरे धीरे फुलझड़ियों से शुरुआत करते हैं, ऐसे भगवान ने यहाँ पे पहले ही लक्ष्मी बॉम्ब लगा दिया, जस्ट अनाउंसिंग बिग एंड बोल्ड दैट हियर आई कम. मई आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा न्यासि तत्शृणु. पहले ही श्लोक में कह दिया मई आसक्त, तो मुझ में आसक्त जिस प्रकार हो पाएगा, जैसे हो पाएगा, मन, तेरा मन जो अभी भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है, आसक्ति वो है जो आ तो सकती है पर जा नहीं सकती, है ना. तो इधर उधर की बातें, कचरा पट्टी जो मन में आ गई है और अब जा नहीं पा रही है, इस कारण तेरी ट्रैश कैन भर गई है, इसको फेंक के साफ सुथ करके तू ये हीरा नहीं रख पा रहा है. तो जिस प्रकार से ये होगा, मई आसक्त मना पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, तेरा मन जिस ज्ञान से, जिस समझ से, जिस प्रकार से मुझ में आसक्त होगा, तो फिर योग युंजन मद आश्रय, इस योग मार्ग में युंजन होगा, वेल्डेड होगा. ये युंजन शब्द का अर्थ होता है वेल्डिंग. और इसके बाद पहले मैंने कई बार कहा वेल्डिंग, अ गुड वेल्डिंग का महत्व ये होता है, जब अच्छा वेल्डिंग होता है, जो ये दो को वेल्ड कर दिया, तो इधर का भी टूटे, इधर का भी टूटे, लेकिन वेल्डेड जॉइंट ना टूटे.
That is how a good weld is tested. A good welded joint is the one that does not break even if the two sides of it break. That is the significance of yunjan. Aisa mil jaye bhagwan ke saath. Yogi bhakt aisa mil jaye ki idhar ka toote udhar ka toote lekin uska yog na toote. Bhagwan ke saath milan kabhi phir na kam ho. To aisi aasakti ho jaye bhagwan mein. Asanshayam samagramam. Sare sanshay chiddate hriday ganti vidhyante sarva sanshaya. शिव गीता में आता है हृदय की सारी ग्रंथियां टूट जाएंगी, गांठें जो पड़ी है, अटक जो पड़ी है, कटक जो है वो सब छूट जाएगी, सुलझ जाएगी, सारी उलझी उलझने सुलझ जाएगी। छिद्यते हृदय ग्रंथि भिद्यन्ते छिन्न संजया संशया, सारे संशय मिट जाएंगे। असंशयम समग्रमाम, यहाँ पे कहा पहले श्लोक में सातवें अध्याय के, कोई संशय नहीं रहेगा, सब संशय मिट जाएंगे। यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु, जिस प्रकार से जिस समझ से ये तू जान पाएगा, जान लेगा ये, अब तू सुन तत् शृणु तत् सुन। तो वेरी सिग्निफिकेंट चैप्टर, आई वुड हाईली एनकरेज यू टू स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम ऑन इट ऑन योर ओन। मया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रमाम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। इसके आगे जो अभी भगवान कहेंगे उसके विषय में है, क्योंकि अगर भगवान में आसक्ति हो जाए तो फिर संसार की आसक्ति छूट जाए। संसार में जब तक आसक्ति है तो भगवान में आसक्ति नहीं है। भगवान की व्हाट इज द बिग डील अबाउट भगवान, नॉट बिकॉज ही इज द मास्टर एंड आई एम द स्लेव, नॉट बिकॉज ही इज द कंट्रोलर एंड आई एम द पपेट। आई डोंट वांट दैट गॉड हु इज द कंट्रोलर ऑफ हुम आई एम पपेट। आई डोंट केयर फॉर दैट गॉड हु इज द मास्टर एंड आई एम द स्लेव। The big deal about this God is that He is me and I am Him. Dvait mein advait, advait mein dvait. Aisa ho jo do na rahe, ek hi ho jaye. Prem gali ati sankari, yame do na samaye. Itna prem ho jaye, itni ghanisht maitri ho jaye, ki do kahan reh gaye? Ek hi dikhe, wahi reh jaye. Main mit jaun puri tarah se. Him alone, the one and only. और वो सामने से कह रहा है जो मेरा है वो तेरा हो जाएगा। Then we will go to maybe the third श्लोक। Just again we are summarizing the seventh chapter. मनुष्याणां सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं This is so significant अर्जुन, हजारों हजारों में मनुष्याणाम सहस्त्र, पहले तो बात मनुष्य ध्यान में रखिए, मनुष्यों को ही प्राप्ति है, भगवान के वचन है। तो दे मस्ट मीन एवरी लेटर ऑफ एवरी वर्ड इन एवरी सेंटेंस इन एवरी वर्स ऑफ द गीता मस्ट बी सिग्निफिकेंट, अदरवाइज इट विल नॉट अपियर देयर। सो इफ ही स्टार्टिंग द श्लोक मनुष्याणाम, वी मस्ट पे अटेंशन टू व्हाई मनुष्य क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मनुष्य ही एक ही फॉर्म है जिसमें मोक्षत्व जागृत हो सकता है, जो महापुरुषों के संग कर सकता है ना। सो हम अगर मनुष्य है, ये मनुष्य ही कर सकते हैं, ऐसे मनुष्यों में सहस्त्र, हम लोग मनुष्य, यहाँ पे पुरुष नहीं कहा, स्त्री नहीं कहा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं कहा। वैसे तो पहले कह दिया चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग शह तस् कर्तारम अपि माम विद्य अकर्तारम राइट। छठे अध्याय में ये चतुर्वर्ण में नहीं बना, सामने से छाती ठोक के भगवान कहते हैं किसी किसी के बाप का डर नहीं उसको, वो सबका बाप है। ये ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय सब मैंने ही बनाया, लेकिन कैसे, गुण और कर्म के अनुसार बनाया। तो हमने अब्यूज किया जन्म के जन्म से नहीं बनाया, भगवान ने कहीं नहीं कहा, किसी शास्त्र में नहीं कहा जो ब्राह्मण कुल में जन्मा वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण चतुर्वर्ण मया सृष्टम मैंने बनाया, गुण कर्म विभाग शा, जिसके गुण के प्रोपेंसिटीज कैसे, प्रेफरेंसेस कैसे, लाइकिंग कैसे, आर्ट्स कैसे, टैलेंट कैसे, गिफ्ट कैसे, उसके अनुसार डीड्स कैसे, गुण कर्म हैव नेचुरली डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरीज फॉर एफिशिएंसी फॉर सिंपलिसिटी सो दे कैन हेल्प ईच अदर परस्परम भावयंतो। यह भी आता है श्लोक में, तो अध्याय में
so that they can align with each other and get the job done. Sabka bhala ho jao, na gun aur karma ke anusar. Lekin yahan pe Bhagwan ne manushyanam sahasre chuka. यहाँ पे ऐसे नहीं कहा ज्यादातर जो गैर समझ होता है ब्राह्मणों को ही प्राप्त होता है भगवान. भगवान खुद तो ऐसा नहीं कह रहे. हजारों हजारों मनुष्यों में कष्ट यतति सिद्ध है. हजारों मनुष्य में कोई एक ही है ऐसा जो प्रयास करता है. अभी आज देखिए कितना कितना एकांत, सबको एकांत प्राप्त है. पूरी पृथ्वी भर के मनुष्यों को एकांत प्राप्त है लॉकडाउन में. प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो सब के सब 7+ billion ह्यूमन काइंड could take this path. उनमें से कितने how many can we imagine are looking inward, looking within, are contemplating on the higher truth, reflecting on the higher reality. Maybe one in many thousands. And that is what he says here, manushyanam sahasteshu kaschit, kabhi kabhi, once in a while. Siddhi ki or sadhana karta hai, yat siddhe hai. Yatatam api siddhanam, aur in aise siddhon mein se bhi, jaise maine kaha, hajaron mein se koi ek sadhak hota hai. Sadhak ko, sadhak to ban gaya, lekin sadhan nahi hota. साधक भी है, साधन भी है, तो लेकिन साधना कैसे करें ये प्राप्त नहीं. महापुरुषों का अगर संग मिल गया तो फिर साधक साधन से साधना का मार्ग भी पता चल गया. साधनम गुरु मार्गिणाम, शिष्य गीता में आता है ना, गुरु उपदिष्ट मार्गिणा मन शुद्धिं तु कारयेत् अनित्यं खंडयेत् सर्वं यत्किंचित् आत्मगोचरम. अपने मन की शुद्धि करके अपने ही भीतर आत्मा का दर्शन करे इस मार्ग को देखकर, ऐसे शिव जी पार्वती जी से कहते हैं दूसरी अलग गीता में. तो लेकिन वो फिर वो सिद्धि तक पहुंच न पाए, सिद्धि तक पहुंच भी पाए तो यततामपि सिद्धानां कश्चिन् माम वेति तत् कश्चिन्, कोई कोई एकाध बार विरला मनुष्य अर्थात स्त्री या पुरुष, राइट, मनुष्य माम मुझे भगवान कहते हैं वेति जान पाता है तत्वता एज आई एम द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गॉडनेस गॉडलीनेस गॉड है फंडामेंटल्स द कोर ऑफ द ट्रूथ अबाउट गॉड द प्रिंसिपल द फाउंडिंग प्रिंसिपल द फंडामेंटल्स. जैसे हम कहते हैं कि हम फंडे अगर पढ़ लिए बचपन में जो गणित पढ़े थे, अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, इतने सॉल्व, राइट, जिसको फॉर्मूला याद आ गया, अभी भी फैक्टराइज कर सकते हैं, अभी भी इंटीग्रेशन करा सकते हैं, अभी भी डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं. कितने 30 साल से ज्यादा हो गए, 35 साल हो गए, क्यों? क्योंकि फंडे क्लियर थे, फंडामेंटल क्यों ध्यान था. अभी भी फोर्स इक्वल्स मास मास टाइम्स एक्सेलरेशन करते, अभी भी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी भी पाइथागोरस का थ्योरम याद हो तो हम लोग वो ट्रायंगल का तीसरी बाजू निकाल सकते हैं अथवा किसी भी आकार का एरिया वॉल्यूम करा सकते, क्योंकि फंडे क्लियर है. 30 साल हुए नहीं किया अभी, लेकिन फंडामेंटल क्लियर है. ये हुआ तत्व से जानना, वो कभी मिटता नहीं. जिसको स्विमिंग आ गया उसको पानी में कभी भी फेंक दो फिर से तैर सकता है, वो डूबता नहीं. ऐसे भगवान कहते तत्व से जो जान लेता है फिर वो फिर से वापस नहीं जाता. इसलिए मैंने ध्यान में कहा था प्रारंभ में आज, यद गतवान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासा, फिर लौटना नहीं. तो हजारों में कोई एक सिद्धि की ओर बढ़ता है, और ऐसे हजारों सिद्धों में कोई एक मुझे तत्व से जान पाता है. देन वी विल गो टू श्लोक नंबर 7 बिकॉज़ वी आर पिकिंग जस्ट अ फ्यू चॉइसेस वंस. मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव. This is one of my favorite shloks, not only from this chapter, definitely from this chapter. This chapter has lots of awesome shloks, but really from the entire Gita. This is not my favorite one, the most favorite chosen shlok, but it is one of my favorite ones. Maya matta parataram nanya, kyunki ye bada daring baaz bhagwan hai, bada bold bhagwan hai, bada dheet bhagwan hai. इस रूप में जो आया वही भगवान है, लेकिन इस रूप में सामने से छाती ठोक के कहता है मैं क्या करोगे.
take it or leave it. Matha paratharam nanya, mere siva aur koi nahi hai. Seedha keh diya. Matha parataram na anyat. Mere aage, mere se bada, mere se aur final truth. Isko Krishna ko jaan liya, ab agla batao. Aage wala. Aisa kuch nahi, koi nahi hai. Sab uske baad wala main hi ho. Iske baad mein kahenge, wo uske baage wala nahi, uske pehle wala bhi main hi ho. Sab kuch main hu. Matha parataram nanyat. Kinchit asti dhanan. Itna sa bhi. Bhaiya. मेरे को छोड़कर कोई नहीं, कुछ नहीं है. तो अपने आप को भूला भूला मत. मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय. मई सर्वमिदं प्रोतम. मई मतलब मुझसे ही. सर्वम सब कुछ. इदम यहाँ जो कुछ भी बना है. वट एवर हैज बीन क्रिएटेड, वट एवर एग्जिस्ट इन द कॉस्मोस. It's flooded with me. Prot, oth, prot bhara. Itna bhara hai ki beh ja raha hai. My sutre mani gana iva. Kaise? Jo pehle bachpan mein dekha ga, wo manjar paat ke ya kisi, wo pajame banate the. Wo pajame ko gundi hoti thi, kaaj hoti thi. Gundi wo dhage ki gundi hoti thi. Dhage ki gundi, dhage ka hi kaaj, dhage ka hi pajama. Wo gundi usme dal ke post office band kar dete. तो उसमें गुंडी में भी धागा, काज में भी धागा, पजामे में भी धागा. सब वो मणि जो कहा, मणि मतलब गुंडी, वो बटन, मणि मतलब बटन, जैसे यहाँ पर जो रेफरेंस है, वो बटन जो डाली हो उसमें, वो भी सूत की बनाई, सूत्र की बनाई, कॉटन की बनाई. अथवा तो ऐसा समझे कपड़ा, कितना भी रंग हो, कितना भी डिजाइन हो, कैसा भी पैटर्न हो, जो कॉटन से बना हो, उसके सब स्ट्रैटम, उसके बेसिस में मात्र कपास है. तो अगर कपास कह दे कि ये भूलना मत, ये लाल दिख रहा है, ये पीला दिख रहा है, काला नीला दिख रहा है, ये पैटर्न फूल है, ये जेबरा है, इस पर जो भी डिजाइन है, ये सब मैं ही हूँ, सब में, सब जगह पे मैं ही हूँ, ऊपर ऊपर से दिख रहा है, और जो दिख रहा है वो फेड हो जाएगा, उसका रंग निकल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी वैसे के वैसा रहूंगा ना. तो मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय. तो इस बात को पक्का समझ ले, मान ले, और फिर प्रयास पूर्वक जान ले, तो छुट्टी हो गई. फिर वही कह रहे सभी काम, जिन्होंने जान ले, जिन्होंने अनुभव किया, उनका अनुभव है कि फिर उससे छुट्टी नहीं होती. फिर ऐसा नहीं लगता बाद में, ना लगे कि यार फिर भी, लेकिन ये तो मेरा है ना, इसको तो थोड़ा मैं बचा के रखू, ये तो दूसरे का है ना, देखो मेरे से बड़ा हो रहा है, ये हमको ऐसे कैसे बोल दिया, हमारा नहीं मानते, हमारे घर में नहीं आए, हमको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे. ऐसा कभी कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरे तेरे की भावना ही ना होती. इनसे डर के रहे ऐसा नहीं होता, इनको डराया ऐसा नहीं होता, किसी को धमकाया नहीं ऐसा नहीं होता, किसी की जलन नहीं, ईर्ष्या नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, जहां एक ही हो गया. तो इसलिए बड़े महत्वपूर्ण बात है. तो मत्त परतरम नान्यत्, अपने अपने समय से इसका अभ्यास कर लेना आवश्यक है. बड़े बड़े कीमती श्लोक है, बड़े कीमती रत्न है इसमें. इसी में साइंस है, इसी में टेक्नोलॉजी, ये अप्लाइड साइंस है. ज्ञान विज्ञान, विज्ञान इज अप्लाइड साइंस, दिस इज नॉट जस्ट थ्योरी, सो यू हैव टू अप्लाई. मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय. मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव. फिर आगे वी विल स्किप सेवरल श्लोक्स, वी गो टू नंबर 14. दैवी यशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते. दैवी, दिस डिवाइन, दिस सुपर नेचुरल माया, दिस इल्यूजन, माया इज इल्यूजन, है ना. जैसे मैंने ध्यान के समय कहा, जो लोग ध्यान के बाद ज्वाइन हुए होंगे, ब्रह्मनिष्ठ एक होता है, दूसरा ब्रह्मिष्ठ होता है. ब्रह्म है अथवा ब्रह्म है. जिसकी निष्ठा ब्रह्म में हो गई, यूनिफाइड विजन हो गया, वननेस हो गया, यूनिटी कॉन्शियसनेस हो गया, जो एक में सब और सब में एक देख पाए, समझ पाए, अनुभव कर पाए, वह ब्रह्म निष्ठ हो गया. और जो वो न देख पाए, जो अन्य अन्य में बिखर जाए, जो अनेक अनेक पता चले, और उसमें मैं एक हूँ, उस अनेक में मैं एक हूँ, और तुम एक है, और वो एक है, और वो एक है, ऐसे जो ये ब्रह्म हो गया, ब्रह्म की जगह पे ब्रह्म हो गया. Brahma arthat illusion, that which is not.
उसे भ्रम कहते हैं, वो भ्रमित हो गई, उसको लुनेटिक कहते हैं अंग्रेजी में, उसको असाइलम में डालते हैं, इसको इसका भेजा, इसको ठीक दिमाग ठीक करने के लिए भेज देते हैं, अथवा इसको आइसोलेट कर देते हैं कि इसका भेजा खोपड़ी खराब हो गई, बात को समझ नहीं पा रहा है, उसको पागलखाने भेज देते हैं जो भ्रमिष्ट हो जाता है, उसको दवाई दे दे के थक गए। तो ऐसे हमारी स्थिति है, यहाँ इस पागलखाने में भेज दिए, भेजा गया है हमको, सुधर सकते हैं हम लोग, ये भ्रमिष्ट से, ये भ्रम से ऊपर निकल कर ब्रह्मनिष्ठ हो सकते हैं इसी जगह पे, पागलखाने में पागल सुधर सकता है, उसको छोड़ा जाता है, घर भेजे जा सकते हैं, ऐसे ही है ना। तो इसलिए माया का दैवी ऐसा गुणमयी माया, माया अर्थात इल्यूजन, दैट विच इज नॉट, इट इज रियली नॉट डिवाइडेड, इट इज ओनली वन, बट मोमेंटरली आई एम परसीविंग इट एज इफ इट इज डिवाइडेड, लाइक ड्रिंक सम वाटर। So, ये डिविजन कैसे हो रहा है, भ्रम कैसे निर्माण हो रहा है, गुणमयी। जैसे ये भी मैंने ध्यान के समय कहा, तरस रहे ना हम संसार में, तरस खा रहे, तरस क्या कहां से आया, तमस रजस सत्व, तरस तमस का त, रजस का रस, सत्व का स, इसमें फंस गए। So, ये गुणमयी माया अर्थात क्या है, जो है एक था, एक है, उसमें हमने कह दिया ये अच्छा है, ये बुरा है और ये मिक्स्ड है, ये थोड़ा अच्छा है थोड़ा बुरा है, कभी अच्छा तो है कभी बुरा है, वही कभी अच्छा था कभी नहीं होता, ये बार बार डिवाइसिव दृष्टि जो हो गई, डिवाइडेड वी फॉल, अनलेस देयर इज अ वायरस गोइंग अराउंड, देन डिवाइडेड वी कैन स्टैंड, राइट। सो It is the division that is the Maya that has caused this problem. So, Devi Yesha Gunamayi, Ya Esha Gunamayi Mama Maya. Ye gunon ke sang se, iske pehle ke adhyayon mein bhi humne karanam guna sangeshu, na kai baar gunon ke vishay mein, gun ke sang se, sang rahit jo kaha, gunon ke sang se rahit hona, bahut chipakna nahi, gunon ka upahas karna, inki gruna bhi nahi karni hai. अच्छा है बुरा है, जो गुणों में फंसा उनकी घृणा नहीं करनी है, लेकिन उनको चिपकना भी नहीं है, उनकी उपेक्षा करनी है, डिसरिगार्ड करना है, नॉट नाइदर हेटिंग नॉर उनको चिपक के अट्रैक्ट हो गए, डिसरिगार्डिंग। दैवी हैशा गुणमय मई मम माया दुरत्तया, ये दुरत्तया है, ये बड़े मुश्किल से दुरत्तर है, बड़ी मुश्किल से इसको तर पाना बड़ा मुश्किल है, इट इज नॉट ईजी टू गेट रिड ऑफ दिस डिवाइसिव विजन। ये जो ट्रेन हो गया माइंड, बार बार विभाजन करने की जो वृत्ति हो गई, बार बार अपना और पराया, बार बार अच्छा और बुरा, रिलेटिविटी में जो बुद्धि फंस गई है, इन द क्विक सैंड ऑफ रिलेटिविटी, द मोर वी ट्राई इट सीम्स एज इफ वी गो फर्दर डाउन, अनलेस सम हेलीकॉप्टर कम्स अप एंड जस्ट पिक्स अस अप, जो शरणागति की बात करी थी, है ना, कोई आकर के बचा ले, जैसे वो बचाए, अगर हम उसको आवाज दे, उसको अगर माने, उसको अगर पूरा पुकारे तो आके बचा ले। द्रौपदी ने जब देखा कि कोई वस्त्र हरण से बचा नहीं पा रहा, तो हे गोविंद करके आवाज दिया तो आ गया, बचा लिया। गजराज जब फंस गया मगर के जबड़े में, तो आवाज दिया तो आ गया, उठा लिया। कईयों का हुआ है, प्रयास करके देखे, ओपन माइंडेड रहे, इसको ऐसे ही न टाल दे, हाउ डू यू नो दैट दिस डजंट वर्क, हाउ डू यू नो दैट दिस देयर इज नो पॉइंट इन भक्ति, हैव यू ट्राइड इट, ना। सो आई हैव, बाय द वे आई हैव ट्राइड, जस्ट टू बी क्लियर, आई हैव ट्राइड इट, आई स्टिल डू इट एंड इट हैज वर्क एंड इट कंटिन्यूज टू वर्क, सो मच सो दैट नथिंग वर्क लाइक इट। मेरा अनुभव, नथिंग वर्क लाइक लव, लव इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स, लव कॉन्करस ऑल फॉर श्योर, सो मच सो दैट लव इवन कॉन्करस गॉड, नथिंग वर्क इवन भगवान की साधना में देन लव ऑफ गॉड, उसी को तो भक्ति कहते हैं ना, तो प्रेम करना सीखे, और भगवान का तो दूर का है, भगवान को तो भगवान पता ही नहीं, तो प्रेम कैसे है, भगवान को प्रेम कैसे करे उसके बारे में पता ही नहीं है, तो इसीलिए पहले श्लोक में कहा भगवान ने, जिस प्रकार से मुझ में तेरा मन आसक्त हो जाए, मेरे गुण, मेरी कथा, मेरी लीला,
इन सब का वर्णन सुन के कह के, इसीलिए भगवद गीता हमारे सामने आई है ना। तो दैवी यशा गुणमयी मम माया दुरत्य, ये माया का एक ही स्वरूप, द ओनली थिंग अबाउट माया इज दैट इट डिवाइड्स आवर दृष्टि। जो ये इसको समझ पाया, संभाल पाया, डिवाइसिव न हो, माने रिलेटिविटी से बच गया, एब्सोल्यूट में टिक गया, दैट ऑल रिलेटिविटी इज एस्टैब्लिश्ड इन द एब्सोल्यूट, ये बात जिसको पता चल गई, वो माया को तरने के ये सिद्ध हो गया। सो गुणों के पार जो हो पाए, सात्विकता में जो न फंसे, राजसिकता में जो न दौड़ा भागा दौड़ी करे, और तामसिकता से जो न घृणा करे, गुणातीत जो हो जाए, जो सगुण है कि निर्गुण है, इस वाद विवाद में, तर्क अतर्क में न फंसे, सगुण और निर्गुण दोनों का जो आधारभूत है, जो गुणातीत परमेश्वर है, जिसका वर्णन 14वें अध्याय के आखिरी में बहुत सुंदर प्रकार से किया है, समय मिले तो जरूर पढ़े, द लास्ट फ्यू श्लोक्स, द लास्ट 6 श्लोक्स ऑफ द 14th चैप्टर आर वेरी पावरफुल एंड दे डिस्क्राइब दिस। तो मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति, जैसे मैंने कहा मछुआरा अपने ही पैरों में जाल न डाले, तो चालाक चतुर मछली उसके चरणों में रुके तो फंसे नहीं उस माया में, है ना। ऐसे इसलिए भगवान की शरण भी लेनी चाहिए, अलाइन हो, जब तक सब रूल पता ना चले उस तक जो जिसने रूल्स बनाए उसकी सुननी चाहिए, ये तो बुद्धिमानी है कि लिसन, ओनली द स्मार्ट वंस आस्क क्वेश्चंस, ओनली द स्मार्ट वंस पे अटेंशन टू द इंस्ट्रक्शंस, दोज आर स्मार्ट हु फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड गेट द जॉब डन, the dumb ones do not care to follow instruction and run into snags and run into problem, right? So understand, at least understand instructions, follow it or don't follow, at least understand them, then decide whether you want to follow. So Gita is the book of instructions from him who has made those instructions to get to him, for us to identify with him, right? So the next shloka, the 16th shloka, ये गेंसों में कई बार आ चुका है, चतुर्विदा भजन्ते माम जनानाम पुण्य कर्मणाम, चार प्रकार के लोग मुझे भजते हैं, आर्त अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ, चतुर्विदा भजन्ते माम, चार प्रकार के लोग, चतुर इज फोर, विधा चार प्रकार से भजन्ते, मेरा भजन करते हैं। मैंने पहले कहा था आई थिंक ध्यान के समय, भजन का अर्थ ये नहीं कि मंजीरे कुटरे ढोल बजा रहे रात भर नाच रहे कूद रहे, वो तो भजन हो सकता है, लेकिन उसको भजन नहीं कहा, प्रमुख रस को भजन कहा है, कंटेम्पलेटिंग इंडल्जिंग इंडल्जेंस को भजन कहा, भगवान में भजन, भगवान में इंडल्जेंस, कंटेम्पलेटिंग ऑन दिस नॉलेज, कमिटिंग टू दिस नॉलेज, दिस लर्निंग, उसको भजन कहा। तो चार प्रकार के लोग भगवान के, फोर कैटेगरीज ऑफ ह्यूमंस, चतुर्विदा भजन्ते माम जनाना, जो जन्मे हुए है मुझसे, पुण्य कर्मणा द वेल मीनिंग, वही मेरा भजन कर पाते हैं, सूक्ष्म बात है ना, कहते हैं शास्त्रों में आता है पाप भजन नहीं करने देता, पाप भगवान में मन नहीं लगने देता, और अगर भजन किया भगवान में मन बैठे रहे तो फिर पाप टिक नहीं पाता, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रिप्चर्स, जो पाप हो, बुरे कर्म किए हो, बहुत अज्ञान अंधकार हो, तो भगवान में मन नहीं लगने देगा, उठा देगा, भगा देगा, सत्संग के लिए, गीता के लिए स्थान नहीं होगा, इसमें क्या रखा होगा, इससे क्या होता है, ये तो फालतू बात है, भगतड़े है, ऐसा कराएगा पाप उठा देगा। और अगर फिर भी भजन्ते माम दृढ़ व्रता, दृढ़ता पूर्वक व्रत मान के ऐसे बैठे ही रहे तो फिर पाप को भगा देगा, फिर पाप को नहीं रहने देगा, फिर अपने आप चलने लग जाएगा, अट्रैक्शन आएगा। सो दैट काइंड गॉड से आर फोर कैटेगरीज, चतुर्विदा भजन्ते माम जनानाम पुण्य कर्मणाम, कौन से फोर कैटेगरीज, well-meaning punya karma, well-doing thoughtful people,
आर्थ अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ. Those four categories, the people in Gainesville will remember years ago we discussed char busse nikalti, four buses leave for this destination. You can pick any bus that you want and get in it. They all go to the same destination. The destiny of all four buses is the same, but the journey feels different because they take different routes. Unke driver ki apni apni pasand hai. उस बस के ड्राइवर को जहां लेना जाए जैसे लेना चाहे वैसे ही ले जाए, है ना. जैसे यहाँ से डीसी जाना हो तो कोई 66 से जाए, कोई 50 से जाए, कोई जॉर्ज टर्नपाइक से जाए, और कोई किसी 495 करके लेके जाए. चारों पहुंचेंगे लेकिन चारों को समय अलग अलग लगेगा, चारों के अनुभव भी अलग अलग होंगे. कौन किस रास्ते से जा रहा है उसके कारण भी अलग अलग होंगे. द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर वाई समवन पिक्स द रोड दैट दे पिक is because depending on where they were, depending on where I live, that will decide which path do I take to go to DC. If I'm north and DC is south, then I will head south. If I'm south and DC is north, I will head north. Even within that, if I want to avoid highways, a commute, rush hour, then I might take a different route. Lekin us par signals rahenge, right? 66 chhod ke 50 pe gaya to phaj सैकड़ों सिग्नल्स को सहना पड़ेगा. सिग्नल नहीं सहना है तो रश आवर को सहना पड़ेगा. पता नहीं कौन कब पहुंचेगा. पहुंचेंगे सब. अगर यू स्टे ऑन इट यू विल रीच देयर समवेयर सूनर और लेटर, बट योर ओरिजिन इज डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन वेयर यू लिव, वेयर यू आर. इस समय, इस दिन, आज के समय में कहां पर हम जीवन में स्थित है ये निर्धारित करेगा कौन सी बस में बैठते हैं, और उस प्रकार का अनुभव होगा. तो आर्थ, द अर्नेस्ट, द यर्निंग, द लॉन्गिंग, द डिस्ट्रेस्ड, द सफरिंग, जिसका घर उस लोकेलिटी में, उस नेबरहुड में है, वो उस बस में बैठेंगे. आर्थ भावना से भगवान को पुकारेंगे, कैसे भी करके भगवान शो अस द वे टू यू, रिवील टू अस हाउ वी कैन रीच यू. इस मुसीबत से छुट्टी कैसे मिले ये पता, ये बताए. अर्थार्थ, अर्थ संस्कृत में होता है वैल्यू, अर्थ का होता है प्रॉफिट. एक सेकंड. अर्थ अर्थार्थ मतलब द वन हु इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ प्रॉफिट. व्हाट्स इन इट फॉर मी, द विथम गाइस. Jigyasu, the curious minded, the auditors. I don't believe in God. I don't know if God exists. Pata nahi, who knows kaun sa bhagwan, kaun se dharm ka bhagwan. Let me check it out. Samay hai to main dekhu to bhagwan hai bhi nahi hai jaise. Aur gyani, jisne jaan liya, jisne anubhav kar liya. Arth, artharth, jigyasu, gyani, se bharatarsho. Ye char categories ko jaan le aur isme se pehchan le hum kahan hai, hum kahan par rehte, kaun si bus mein. But to make sure that we sit in that bus and remember that this is going towards Godhead. Aage chalke bhagwan kehte udara sarva evaite, charo theek hai kehte, charo acche log hai, charo mere paas aa rahe, mere ko pukare, charon ke paas main jaunga, charo pukar ke logon ke paas jata hu, madad karta hu, hai na. Sabko udar kaha, udar hai na, fir se shabd hai upar uthne wala, dar upar kyon dekh raha hai. They are taking the higher road. They are believers that there must be a higher reality, that there has got to be a higher truth, that there must be something greater still. It cannot be that I have come to life aur aise hi bas khana pina karke baal bacche bana ke mar jana, bas itna hi jeevan ka prayojan nahi ho sakta. Aisa nahi ho sakta ki random se kisi ko cancer ho gaya, kisi ko virus ho gaya aur koi tadap raha hai, koi mar raha hai, और रो रहे है, और दूसरे मजे में गुलाब जामुन खा रहे घर में. ऐसा रैंडम नहीं हो सकता. व्हाई इज इट, आई वांट टू नो, क्यूरियस माइंडेड जिज्ञासु, देयर हैज गॉट टू बी सम रीजन. इट डजंट मेक सेंस फॉर इट टू बी सो रैंडम. फिर तो जीवन का अर्थ ही नहीं है. जीने को ही कोई मतलब नहीं, हमारे अस्तित्व का कोई कीमत ही नहीं है. इफ यू आर ऑल वी आर पपेट्स, देन नथिंग मेक्स सेंस एंड इट इज अ क्रूअल गॉड, जो है ना, खाली पपेट समझ के अपने मर्जी से चलाए ना चाहे, स्लेव बनाए,
स्लेवरी को तो हटाया, ये नहीं हो सकता। जो ऐसा विचार करे तो विचार करना आवश्यक है, अगर आर्त हो तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसी कौन सी स्थिति है जहां पर जाकर के हम अपनी उलझनों को सुलझा सके, जिसको हम इलाज अपने प्रश्नों के उत्तर मांग सके, जिसका हम अपने रोग का इलाज, हमारा जो विकार है उसका उसका उपचार कर सके, इलाज मांग सके, अर्थार्थी है। तो ये जो प्रॉफिट हो रहा है, नफा हो रहा है, उससे फिर भी फुलफिलमेंट नहीं हो रही, आनंद की टिका नहीं पा रहा है। जो सामान इकट्ठा कर रहे हैं, जो जमा कर रहे हैं, जो मिल जो प्राप्ति कर रही है, जो आ रहा है वो जा रहा है, आई वॉन्ट समथिंग दैट विल स्टे, वट शुड आई डू जिससे मेरा नफा बढ़ता ही जाए। दिने दिने नवम नवम नमामि मेघ सुंदरम, ऐसा कौन सा रस है, ऐसा कौन सा आनंद है, ऐसा कौन सा अनुभव है जिससे मैं हर दिन नित्य नवीन रस का अनुभव करूं, ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसमें मैं इन्वेस्ट करूं तो वो बढ़ता ही जाए, कुछ भी हो नीचे ही ना गिरे। एवरी डे आई सी द कर्व क्लाइंबिंग ऑन, इवन इफ दे आर अप्रोचिंग मटेरियलिस्टिकली, तब भगवान को लड्डू पेड़ लगाए चलाए, नारियल फोड़े, अगरबत्ती लगाए, ताकि मेरा पोर्टफोलियो बच जाए उसमें से, प्रॉफिट की दृष्टि से, अर्थ की वैल्यू प्रिजर्वेशन की दृष्टि से भी गए तो भी, at least they are open minded enough to know that there must be someone higher who knows and who is the controller of all. They are still smarter just because they are open minded. The open minded, the most open minded is the smartest. jiska ye nishkarsh ho gaya, concluded that bhagwan ka nahi, aisa ho nahi sakta hai, sab kuch random hai, might as well be dead, because fir uske prashnon ke uttar ki koi sambhavna hi nahi rahi, kyunki wo open mind closed mind ho gaya. जिज्ञासु क्यूरियस माइंडेड, और ज्ञानी जिसने इन सब से ट्रैवल करके, जर्नी करके, डेस्टिनेशन पहुंच के पता कर लिया कि यस देयर इज अ गॉड, यस गॉड इज नॉट डेड, इतना ही नहीं लेकिन यो माम पश्यति सर्वत्र, जैसे भगवान ने कहा, ही अलोन एग्जिस्ट्स, ही अलोन इज इन ऑल, वासुदेव सर्वम इति समात्मा सुदुर्लभ, आगे अभी कहेंगे एक दो श्लोक बाद भगवान। जिसने ये जान लिया, ऐसे चार प्रकार के भक्त मेरे, वो तो ज्ञानी वाला बाइसाइकल होती है, अकेला होता है बेचारा, कोई चाहे तो उसके कैरियर पे डंडे पे बैठ के चल सकता है, लेकिन बाकी बड़ी बड़ी बसें होती है, वो आर्त वाली तो रेलगाड़ी चल पड़ती है, क्योंकि गट्ठे से होते हैं, हजारों हजारों उसके आर्त भाना से जा पड़ते हैं, अर्थार्थी भी होते हैं बड़े, बसे पे बसें चल पड़ती है, जिज्ञासु अपनी गाड़ी से चलते, अपनी कार में, अपनी फैमिली भर के, और ज्ञानी की एक अपनी बाइसिकल तो पैदल चलता है उसी, क्योंकि कहीं दूर जाना ही नहीं है, ज्ञानी ने समझ लिया जाना ही नहीं है, कहीं प्राप्त करना ही नहीं है, कुछ कमाना ही नहीं है, कमाना क्या है, कम आना, शब्दों की ओर ध्यान दे, कमाना कम आना, और जो कमाना वो भी क्या, गमाना, गम दुख, ये क्या कमाया यार, जो कमाया वो भी कम आया, और जो कम आया वो भी गम आया, तो फिर क्या कमाया। ये जिसको पता चल गया, वो तो कुछ प्राप्त ही करना नहीं है, जो क्योंकि नित्य प्राप्त जो है, उसकी प्राप्ति जो होगी वो ज्ञानी, नित्य प्राप्त, नित्य तृप्त, सदैव शरणानंद, इसलिए फिर उसे कहीं जाना ही नहीं है, वो तो पैदल ही है, उसी जगह पे, उसी दायरे में है। So, और फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, उदारा सर्व अवैते ज्ञानी, है ना, प्रयोगित, अच्छा मैंने आधा इसके पहले का श्लोक था, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, तो ऐसा ज्ञानी जो है वो एक भक्ति, वो विशेष होता है, क्योंकि वो भक्ति पूर्वक, वो उसको रहने की वैसे कोई जरूरत नहीं होती, तो पहुंच गए डीसी में पहुंच गए, लेकिन वो वहां से फिर जा नहीं पाता, जाता ही नहीं, जाना चाहता ही नहीं, जो भी यहाँ पर आ जाए, पहुंच जाए, वहां से फिर हटता नहीं, जाता नहीं, क्योंकि पूर्णत्व का अनुभव करता है। जो खोज चल पड़ी थी, जिसके लिए जन्म हुआ था, जन्म वाचक है और ज्ञान वाचक भी है, जन्म ही ज्ञान प्राप्ति के लिए हुआ था, कर्म के लिए नहीं हुआ था, कर्म केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए करने थे, डूइंग ओनली सो वी लर्न द लेसंस, डूइंग नॉट फॉर द सेक ऑफ डूइंग, फिर तो कर्म का कोई अर्थ नहीं हुआ, अनर्थ हुआ,
void of any value, purposeless, anartha, arthahina. Sarva karma cha akhilam partha, jnanena parisamapyate. Sare karma ka prayojan ek hi hai ki usse kuch seekhe. जन्म जन्म हम कर्म कर्म करते करते जा रहे हैं, सीखते सीखते जा रहे, फिर से जन्म लिया ताकि फिर से और कर्म करे और सीखे, रिफाइन करे अपने ज्ञान को, रिफाइन करे, और जो बात समझनी है एक बार किसी न किसी जन्म में वो समझ ले, इसलिए जन्म लिया। इसलिए ज तीसरे अध्याय जो कर्म योग है उसका पहला अक्षर ज है। ज्यायसी चेत कर्मण, अर्जुन पूछते जिसके लिए जन्म हुआ, जो ज्ञान प्राप्ति। मैंने इसके पहले के सत्र में मैंने कहा था दूसरे ग्रुप के साथ, जन्माद्यस्य श्रीमद् भागवत के 18,000 के श्लोकों में पहले श्लोक में पहला शब्द ज आता है, जन्माद्यस्य होता है। जन्म एक ही उद्देश्य, एक ही प्रयोजन से, एक ही कारण के लिए हुआ था। कर्म उसी के लिए, सारे कर्म उसी के लिए करने हैं कि जान ले, समझ ले बात को। वो बात समझ में आने के बाद फिर कहां जाना और क्या प्राप्त करना, कहीं नहीं जाना, कुछ प्राप्त नहीं करना। जब तक ये शरीर का झोला है तब तक वही रुकना, दूसरों को जताना, फिर से चाह आ गया है ना, दूसरों की यात्रा में मदद करना, दूसरों को दिशा दिखाना, दीक्षा देना जो गुरु लोग करते हैं ना, दिशा और अक्ष, अक्ष इज आंखें, संस्कृत में अक्ष को आंखें कहते हैं। ईक्षते आंखों से देखा जिसने, वो जब दिशा दिखाया भैया उधर की ओर है, इधर तुम गलत दिशा में जा रहे हैं, ये मन तुम्हारा जिस दिशा में ले जा रहा है उधर से नहीं दिखेगा, नहीं मिलेगा, नहीं इधर जाओ, वो दीक्षा। तो ये तेषां ज्ञाने युक्त नित्य युक्त एक भक्त इतनी सुंदर जगह पहुंच गया कि वो फिर ऐसे ही बाय चॉइस उधर ही टिक गया, अब वापिस नहीं जाना, और उसमें ही उसकी ही भक्ति, उसका ही भक्त बन गया। भक्त वो संस्कृत में जो विभक्त, कभी विभक्त न हो, कभी दो न हो, फिर कभी डिवाइड न हो, कभी सेपरेट न हो, इनसेपरेबल को भक्त कहते हैं। जो भजन गाए, अगरबत्ती लगाए, नारियल पड़े, दही पड़े, फेंके चिरंजीव के दाने 125 रुपए, उसको भक्त नहीं कहा। इनसेपरेबल भक्त मीन्स इनसेपरेबल, सो ज्वाइंड, मैंने कहा था युंजन वेल्डेड, इनसेपरेबली ज्वाइंड, एक भक्त एक के साथ ऐसा जुड़ गया, वो बेस्ट के साथ, द बेस्ट मैन, परम पुरुष के साथ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, त्वदी वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। गोविंद मैं अब देख पा रहा हूं कि सब कुछ तेरा ही दिया हुआ है, ये सब तेरे ही, तुझे ही समर्पण है, हरि अर्पण। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये क्या नाटक कर दिया तूने, नाम और रूप मेरा बना दिया, काम तो तू कर रहा है, तेरे कारण हो रहा है, अरे इसका नाम क्यों, जो भी कथा सब हो गया, देख तेरी तेरी कृपा से यहां तक हो गया कि तेरी पहचान हो गई, जो प्रेम में पड़ गया। दोज ऑफ यू हु हैव फॉलन इन लव, आई डिड, यू ऑल नो दैट, and my beloved is also listening to this. When you fall in love, those who fall in love, जब प्रेम हो जाता है तो फिर उसमें मन बैठ जाता है, वहां से दूर होने का प्रश्न ही नहीं है, दूसरे किसी के लिए स्थान ही नहीं, दूसरे किसी के विषय में विचार करने के लिए समय ही नहीं, इच्छा भी नहीं। तो इसमें जब कृष्ण में, भगवान में, जिस किसी रूप में, शिव में, जिस किसी भी भगवान में प्रेम अगर हो गया, that's when you realize the beauty of the one, the joy of the one, the prowess and the might and the humility, uski usi samay ek sath uski shakti aur vinamrata ka darshan, uske saundarya aur sadgi ka anubhav, prem mein jo deep pagal ho gaya, pighal gaya na, shakkar ko agar pani mein dal diya ghul gayi, ab kaise alag apne aap ko kar paye meethi। तो इसलिए एक भक्ति विशेष थे, वो विशेष है भगवान के, वो एक घुल गया, घुल मिल गया, उसका अपना कुछ नहीं रहा, उसका अस्तित्व मिट गया, वो खत्म हो गया, अब वो रहा ही नहीं, तो अलग कैसे जाए, बाहर कैसे हटे। इसलिए प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, हम सच ममे प्रिय,
क्योंकि उस ज्ञानी को मैं एक ही प्रिय हो गया, सब में मैं सबसे प्रिय हो गया, अब वो मुझसे नहीं हटेगा। और फिर झक मार के मेरा भी वो प्रिय हो गया। पानी में अगर शक्कर मिल गई तो पानी को झक मार के मीठा बनना पड़ा, शक्कर में पानी आ गया तो शक्कर पानी दोनों को एक दूसरे का गुण लेना पड़ा, चॉइस नहीं रहा पानी को मीठा हो कि ना हो, है ना। ऐसे जैसा भक्त ने जो प्रेम की माधुरी लाई, इसीलिए भगवान ने उतार लिया हमारे रूप में, ताकि हम प्रेम का अनुभव कर पाए, वो हमारे हमसे प्रेम का अनुभव कर पाए। जब प्रेम की गठरी लाई, जब सुदामा ने प्रेम के पोहे लाए, तो उसके सामने दूसरे किसी बात का महत्व न था। तो गॉड डज नॉट हैव अ चॉइस टू रिजेक्ट अस आफ्टर दैट, नाइदर डज ही वांट टू। दिस इज द ओनली पर्पस विद व्हिच द एंटायर कॉस्मोस वाज क्रिएटेड, द होल क्रिएशन वाज क्रिएटेड टू शेयर लव, टू एक्सपीरियंस लव, टू एक्सचेंज लव, टू गिव एंड रिसीव लव। यही रास लीला का अनुभव करने के लिए, महारास का अनुभव करने के लिए, प्रेम लीला के अनुभव के लिए, मिशन अकॉम्प्लिश्ड, टॉम क्रूज वुड से इफ ही एवर अचीव द स्टेट, नॉट मिशन इम्पॉसिबल, मिशन अकॉम्प्लिश्ड व्हेन यू हैव दिस एक्सपीरियंस फुलफिल्ड, लाइफ्स मिशन अकॉम्प्लिश्ड। ये है सातवें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग। इसलिए फिर वो मेरा भी, आई डोंट हैव अ चॉइस बिकॉज ही ऑल्सो बिकम्स माई फेवरेट। ऐसे नहीं है कि भगवान न मे द्वेष न मे प्रिय, किसी और जगह भगवान का मेरा फेवरेबल और अनफेवरेबल ऐसा कोई कुछ नहीं, हो सकता ही नहीं, मैं ही हूँ सब में। अब कोई यहाँ पे इतने सारे बाप में देख रहा हूँ, ज्वाइन किया है इस पे, तो बाप लोग जानते अपना बेटा, ये मेरा प्रिय, ये मेरा प्रिय नहीं, ऐसा हो सकता नहीं, माताएं का तो होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो सयाना है, जो फॉलो कर रहा है रूल, जो बात को समझ रहा है, जो ले पा रहा है, लेना चाहता है, उसको बाप को माता को कहना पड़ता है कि ये अच्छा बेटा है। मन में कुछ विशेष स्थान अपने आप आ जाता है, जानबूझ के नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के लिए स्थान कम हो गया, लेकिन वो बच्चा अपने लिए स्थान बना लेता है प्रेम के कारण। और सबसे फॉलो बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, हित चिंतक है मेरा बाप, मेरा हित चिंतक है मेरी माता, मेरे हित चिंतक है, वो मेरे हित के लिए कह रही, वो अनुभवी है, वो जानती है, वो मेरे सामने जा चुकी है, व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क शी नोज, दैट्स व्हाई उसका हृदय टूट रहा है और मेरे लिए कह रही है, वो समझ के जो कर ले। तो माता को चॉइस नहीं है, अपने आप उसके हृदय में उसके लिए विशेष स्थान हो जाए। और ये बाप होगा, बाप माँ की माँ कह रहे है, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं पृच्छति। पांचवे अध्याय में देखा, आखिरी शब्द में आखिरी वाक्य कहा था, पर मैं तो सबका सुहृद हूँ, सबके हृदय में बैठा हूँ, सबका हित चाहता हूँ। आई एम द वेल विशर, खाली वेल विशर नहीं, वेल विशर तो बहुत है, इधर उधर सब वेल विशर ही भरे हुए हैं, वेल डूअर भी है, एक ही है जिसने धमक है जो वेल डू भी कर सकता है, खाली विश नहीं करता। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा, ज्ञात्वा ये ऐसा जानकर, अनुभव करके, माम मेरे को जानकर, शांति मृच्छति शांति को प्राप्त हो जाता है मेरा प्रिय भक्त। इसलिए यहाँ पे कहा भगवान ने कि ये मुझे प्रिय होता और मैं इसको प्रिय होता, आई डोंट हैव अ चॉइस, ही हैज कैप्टिवेटेड मी, ही हैज अरेस्टेड मी, ही हैज कैप्चर्ड मी, आई कैन नो लॉन्गर एस्केप। अगले श्लोक में कहते हैं, उदारा सर्व एवैते ज्ञानित्वम आत्मैवमेवतः आस्तितः सह युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम। ये सब अच्छे है, ये सब लोग मेरे पास पहुंच जाएंगे, पहुंचे थे ना, धीरे धीरे सभी पहुंचे थे, जितने भी भक्त जैसे जिस भी प्रकार से गए। लेकिन ज्ञानी मानो मेरा आत्म स्वरूप है, ज्ञान से नहीं, ज्ञान का सारा प्रयोजन प्रेम में है, ज्ञान का सारा अंत प्रेम में है। ज्ञान फूटे कौड़ी का भी ना बिके अगर उसके उसके साथ उससे प्रेम न उत्पन्न हो तो, ज्ञान की कोई कीमत ही नहीं अगर उस वो प्रेम की ओर निर्देश न करे तो। ज्ञान का कोई फायदा नहीं, कोई उपयोग नहीं, ज्ञान को तो फेंक दो, थूक दो, उसमें ज्ञान की ओर प्रेम की ओर निर्देश न करे तो। ज्ञान वही है जो प्रेम में लगा दे, ज्ञान से ही प्रेम हो सकता है और ज्ञान के पश्चात प्रेम होता ही है। तो आस्थित ही संयुक्त आत्मा, ज्ञानी ज्ञान से मेरे स्वरूप को जानकर मुझमें आस्था पक्की दृढ़ होकर मुझमें चिपक जाता है, उसके अंदर मेरे गुण प्रकट हो जाते हैं।
माम एव अनुत्तमाम गति, वो समझ पाता है आई एम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, अनुत्तम देयर इज नन सुपीरियर टू मी, मेरे से उद्तम कोई नहीं, उद इज द हाई, तम इज द हाईएस्ट। उस ज्ञानी ने अनुभव कर लिया कि देयर इज नन सुपीरियर टू मी, देयर इज नो वन हायर देन मी, देयर इज नो वन ग्रेटर देन मी। दैट वन फॉर्चुनेट ड्रीम कैरेक्टर हैज अवेकन्ड, और जान लिया उस स्वप्न पात्र ने कि वेट अ मिनट, ये जो मेरा स्वप्न दृष्टा है यही सारे स्वप्न पात्रों में है, गुंडों में भी वो है, संतों में भी वो है जो मेरे स्वप्न में दिख रहे, मुझ में भी वो है और मैं उसी में हूं, इन फैक्ट हम में से कोई नहीं है, वही वो है और वो इतना सुंदर है, इतना सुहृद है, इतना प्रेमी है, इतना दयालु है, इतना शक्तिशाली है, तो इतना प्रेम हो रहा है मेरा उस पर, अब मैं कुछ देना चाहता हूं उसको। प्रेम की क्या निशानी होती है? पहली निशानी क्या है प्रेम की? देना चाहती है। माँ पुत्र अपने बेटे पर बच्चों पर प्रेम करती है तो क्या करती है? जन्म से, जन्म के पहले से माँ देती है, अपना रक्त तक देती है, अपने शरीर को देती है, अपने दिन द होल नरिशमेंट शी सैक्रिफाइसेस फॉर द प्रेम के वश होकर, जन्म के पश्चात भी देती है। प्रियतम अपने प्रेयसी को, प्रेयसी अपने पति को प्रेम कैसे व्यक्त करती है? देती है। प्रेम का पहला लक्षण देना है होता है। तो जब इस स्वप्न पात्र को प्रेम हो जाए अपने प्रेमी स्वप्न दृष्टा पर, तो पहला लक्षण जागरूक हो, दृढ़ता से कुछ देना चाहे। माय डियर लॉर्ड, माय डियर गॉड, माय कृष्ण, माय बिलवर, आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग, आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग, and I'm so frustrated that there is nothing I can give you because this is all a dream. There's nothing I can send out of the dream to you, my dreamer. And as swapna se bahar laddu pede nahi bheje ja sakte. To aisa frustrated vyathit premi bhakt jab kripa ho jaye tab dekh paaye, samajh paaye ki wait a minute though. The secret of all secret, ninth chapter, when we get to it, Raj Vidya, Raj Gaya Yoga, the king of all mysteries, the secret of all secrets, Raj Vidya, Raj Gaya. Because he is in everyone, jo bhi anubhav ho raha hai, wo sara anubhav usi ko ho raha hai. Bure sapne ka anubhav bhi jo sapna dekh raha hai, is experiencing the nightmare. अच्छे स्वीट ड्रीम्स का अनुभव भी इज एक्सपीरियंस बाय द ड्रीमर, सो द स्वीट ड्रीम्स एंड द नाइटमेयर्स अलाइक आर एक्सपीरियंस बाय द ड्रीमर, इवन विद इन द सेम ड्रीम द गुड कैरेक्टर एंड द बैड कैरेक्टर एक्सपीरियंसिंग द गुडनेस एंड द बैडनेस इज बीइंग एक्सपीरियंस बाय द ड्रीमर। तो इस जागृत स्वप्न पात्र को जब पता चल जाए कि ये जो अनुभव दिए जा रहे वो मेरा प्रेमी ही अनुभव कर रहा है, so then I will always only give positive, good experiences of love to whoever, whichever dream character is around me, because I now know the secret that my beloved dreamer alone is receiving those experiences, and I figured out a gift to give him, the greatest gift that can be given. I am loving him and her and them and them and them and all. They are experiencing love. They are feeling good about themselves. Their selves is my beloved, is my lover. So the experience of love, experience of goodness is being experienced, and that is the gift of love. All lovers want those who are loved, beloved, to feel good about themselves. कोई सच्चा प्रेमी ये नहीं चाहेगा कि मेरे प्रेमी को मेरे बारे में अच्छा लगे, वो तो स्वार्थी है। प्रेम तो निस्वार्थ होता है ना। प्रेमी ये चाहेगा कि जिस पर मेरा प्रेम है उसको उसके बारे में अच्छा लगे। एंड सो द वे आई वांट टू लिव एज अ पर्सन ऑफ गॉड, एज अ लवर ऑफ गॉड, इज टू मेक अदर्स फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, नॉट जस्ट टू मेक अदर्स फील गुड। तो ड्रग लेके भी पीपल फील गुड, सो इट इज नॉट इनफ टू जस्ट मेक अदर्स फील गुड, जिसको जो चाहे वो दे दिया अच्छा लगा, ऐसा नहीं। It is also not good enough to make others feel good about me. मेरे बारे में अच्छा लगे उसके क्या फायदा? The only fitting
response. Expression of love is when I make others feel good about themselves, about them. है ना? ये प्रेम की निशानी हो. इसलिए भगवान कहते फिर वो ऐसा स्थित योगी मेरा आत्मस्वरूप हो जाता है, ऐसा ही भगवान है और ये भी ऐसा बता करने लग जाए. तो एज इफ आस्थित सह युक्त आत्मा, युक्त आत्मा, मेरे से जुड़ा हुआ आत्मा, जीव और शिव में जो भेद नहीं रहा, जीवा शिवांची लागली समाधि तुटली उपाधि, शिवजी के स्तोत्र में मराठी में आता है. जब आत्मा और परमात्मा एक हो जाए, महारास हो जाए ना, जब भक्त और भगवान का मिलन हो जाए. सो माम एव अनुत्तमाम गतिम, दैट्स व्हेन ही और शी, व्हाई ही और शी, बिकॉज ही इज मनुष्य, ही डजंट से पुरुष और स्त्री, अनुत्तम गति को प्राप्त होता है. द बेस्ट एक्सपीरियंस, द फुल फाइनल फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ इज अचीव्ड. एंड देन द नेक्स्ट श्लोक इज लेकिन भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति समहात्मा सुदुर्लभ. ऐसा प्रयास करने वाले, ऐसा इसी साधना करने वाले, ऐसे साधक जो साधना मार्ग से साधन को ग्रहण कर सिद्ध होने की ओर चल पड़े और तत्व से जानने के लिए दृढ़ व्रति हो गए, क्विटर्स नहीं है, दोज हु डाई ट्राइंग रादर देन लिव क्विटिंग, राइट? इस मार्ग पे आई वुड एनकरेज यू टू डाई ट्राइंग इंस्टेड ऑफ लिव क्विटिंग. किसी भी मार्ग पे जीवन में, हियर इट अगेन, डाई ट्राइंग रादर देन लिव क्विटिंग. सो ऐसे जो जीते इस मार्ग पे, वह योगी फिर, वह पुरुष बहुनाम मतलब अनेक जन्म नाम, जन्मों के अंति, बहुनाम जन्म नाम अंते. What a break. क्यों जन्म का क्या, बीच में जन्म कहां से आ गया यहाँ पे रैंडमली? मैंने कहा ना तीसरे अध्याय के कर्म योग का जो प्रारंभ होता है, जब होगा जाय सिच्चे कर्मणस्य मया बुद्धिम निवेशय तत्किं कर्मणि घोरे माम योजय सिकेशव. यहां से जो श्लोक शुरू होता है, कर्म का प्रयोजन ज्ञान के लिए है, जन्म का प्रयोजन कर्म है, कर्म का प्रयोजन ज्ञान है. जन्म ही लिया हमने कुछ करने के लिए, ताकि वो करके ज्ञान की प्राप्ति हो, समझ है. सो दैट वी मे अंडरस्टैंड द फाइनल ट्रूथ, सो दैट द फाइनल रियालिटी मे बी रिवील्ड टू अस, वी मस्ट डू समथिंग एंड देयरफॉर वी हैव टू लिव, देयरफॉर वी हैव टेकन दिस बर्थ. तो ऐसे बहुत अनेक जन्मों के पश्चात जन्म लिया, कार्य किया और फिर ज्ञान की प्राप्ति करी, उससे नहीं पूरा पता चला, फिर से और एक जन्म लिया, फिर कोई कर्म किया, फिर और ज्ञान की प्राप्ति करी, उससे भी नहीं हुआ, फिर कुत्ता बन के देखा, भौंक के देखा, फिर शेर बन के देखा, जो चाहे जिसको चाहे जब चाहे फाड़ के खा के देखा, फिर अजगर बन के देखा, खाली सो करके देखा, पंछी बन के देखा, विहंगम दृश्य उड़ के देखा, मछली बन के देखा, एफर्टलेसली स्वयं होकर के देखा, अच्छा आदमी बन के देखा, बुरा आदमी बन के देखा, साधु गुंडा सब बन के देखा. ये करते करते न एती, राइट, नेती करते फिर भी पता नहीं चला, अनुभव नहीं हो रहा अपनी आत्मा की प्राप्ति का, इसे फिर से जन्म लिया. लेकिन एवरी टाइम रिफाइनिंग दैट, एवरी टाइम ना भगवान छठे अध्याय में याद होगा, योग भ्रष्टो शुचिनाम श्रीमताम गे हे योग भ्रष्टो अभिजायते. नाश नहीं होता किसी भी जन्म में, जो भी कमाई करी नाश नहीं होगा. योर एप्लीकेशन विल नॉट बी लॉस्ट इफ यू आर सबमिटेड इट, इफ यू आर क्लिक्ड ऑन सबमिट, रेस्ट अश्योर्ड. भगवान कहते ये पोर्टल में सिस्टम डाउन नहीं होती, व्हाटएवर यू हैव सबमिटेड हैज बीन रिसीव्ड एंड एक्सेप्टेड, इट्स परमानेंटली रिसीव्ड. यू विल इनहेरिट व्हाट यू अर्न, यू विल स्टार्ट व्हेयर यू लेफ्ट ऑफ. स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, सेकंड चैप्टर, राइट, सांख्य योग. अभी लास्ट टाइम हमने फिनिश किया, थोड़ा भी प्रयास करे तो भी इससे फायदा होगा और वो फायदा कभी नाश नहीं होगा, उससे आगे ही चल पाओगे. इसलिए निराश न हो, कभी कमी न महसूस करे, ये जन्म लेते ही रहेंगे. तो इस प्रकार जन्म लेते लेते जब अंतिम जन्म आएगा, हर एक का अंतिम जन्म अलग है,
depending on the choices we make, because we have been given full freedom of choice. Depending on our journey, depending on our desire, depending on the detours we want to take. Someone wants to just go straight to the destination. Someone wants to check out all the beautiful spots along the way. Someone wants to eat again and again to eat something. Stop some again and again to eat something. Someone has to go to the bathroom. कोई अपने कार में कुत्ते जिसको भगाने चलाने के लिए डॉग वॉकिंग के लिए रुकना है. You made choices. I don't want a dog. I don't want to eat. I don't want to go for pee. I'll suffer through it. I just want to reach my destination. जो कहे वो जल्दी पहुंच जाए. लेकिन वो वंचित रह जाए किसी शायद हो सकता है अनुभव से. लेकिन वहां पर पहुंचे के बाद सारे अनुभव इकट्ठा हो जाए. These are the choices we are making every single day. Whether to plug dial into this reflection today or not was a choice made by some and a choice to not made by others. Oh, जैसे सोनार की सौ सोनार एक 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 थोड़ा 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 करके शेप करता है. स्कल्पचर जो होता है एकदम बड़ी बड़ी हथौड़ी मार के नहीं बनाता है स्कल्पचर को, थोड़ा 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 करके. ऐसे हर जन्म में हर चॉइस से हम थोड़ा थोड़ा वी आर शेपिंग आवर डेस्टिनी मेकिंग आवर प्रोग्रेस. तो ऐसा करते करते सो बी केयरफुल ऑफ द चॉइसेस वी मेक. Every choice should be aligned with the destination. If you want the most efficient path or to get the quickest, we choose karte hai wahi the shortest path. So then we have to align with it, the choices that we make. Aur wahi dharma hai. You know, the thought, the choices that I'm making, are they aligned with it? Swadharme nidhanam shreya paradharma bhaya, jo kaha. धर्म के साथ अलाइन जो जितना रह पाए वो अपने धर्म में है. वो प्रयास करते समय मरना भी श्रेष्ठ है rather than दूसरे का इधर उधर मुंह मारे, इधर क्या चल रहा है उधर क्या चल रहा है. अपने धर्म में रहे, अपने मार्ग पे चले, अपनी जर्नी जिए, अपना लाइफ जिए. ऐसे करते करते बहुनाम जन्म नाम अंत में ज्ञानवान माम इकट थोड़ा ज्ञान पिकअप किया, फिर से थोड़ा ज्ञान पिकअप, फिर रिफाइन किया और रिफाइन किया. ये नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं ऐसा नहीं ये है करते करते फाइनली ज्ञानवान माम जिसको पता चल गया तुक्का लग गया बुलजाय लग गया यस दर्शन हो गया देख पाया सब में कैसे एक है ना. ईक्षते योग युक्त आत्मा कहा छठे अध्याय ईक्षते इज देख लिया. डू नॉट बी फूल्ड. This is not mumbo jumbo. This is not play upon words. This is not smoke and mirror. This is not hearsay. This is not, oh, yakin kare, believe me, trust me. No, show me the money. I don't know if my brother from Missouri is dialed in yet. Show me the money state. So you can see it. And that, aisa jisne dekh liya, jisko dukka lagai, jisne pata, yes. I can now see you and everyone in and in me, and I can see me and everyone in you. तब वो ज्ञान हो गया, ज्ञानवान माम. फिर क्या हुआ? प्रपद माम प्रपद्यते. वो मेरे शरण हो गया. प्रपन्नता शरणागति के आगे की बात है. Fully surrender. Surrender में दो भाव. ये बातें भी पहले आई हुई है. I'm repeating this. I know पागल की नहीं, पागल कुत्ते की नहीं. कि शरणागत तो अच्छी बात है, शरणागति में भी, लेकिन दो है. मैं तुम्हारी शरण में हूँ भगवान, तुम हो और मैं हूँ. प्रपन्नता goes beyond that. इतना घुल मिल गया, शक्कर इतनी मिल गई पानी में कि अब शक्कर और पानी दो अलग नहीं रहे. मीठा पानी हो गया, मीठा जल हो गया. जल हो गया, मीठा जल हुआ, मीठी शक्कर नहीं रही. शक्कर की मिठास जल में आ गई, लेकिन जल रहा, मीठा जल हो गया. उसे कहते प्रपन्नता. कि मैं और तुम नहीं रहे भगवान, तुम ही रहे. The unity consciousness has become so overwhelming, has become so overpowering, has become so crystal clear that the limited consciousness has completely disappeared, nowhere to be seen. Who am I? I don't know. I don't care. Because I see the one who is everyone and everything. Right? It's the state of us jnanavan mam prapati. So then you have to sharan to hui gaya na, sharan ke align hui gaya. मुझको ही सब कुछ मान लिया प्रपन्नते. That was that श्लोक. Well, that was half of the श्लोक. वासुदेव सर्वम इति समात्मा सुदुर्लभ. वो क्या देख लिया? ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन. छठे अध्याय में था. क्या देखा उसने? युमाम पश्यति सर्वत्र. राइट, सर्वम जमाय पश्यति. क्या देखा? वासुदेव सर्वम.
वासुदेव मतलब कौन? वासुदेव का पुत्र कृष्ण तो हाँ, भगवान, भगवान कृष्ण का नाम है, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, भगवान वासुदेव, श्री कृष्ण का नाम वासुदेव था, तो वो तो है, वही तो आगे ये गीता कह रहा है ना, अपने बारे में छाती ठोके कह रहा है मी। लेकिन वासुदेव वो जो सब में वास कर रहा है, वो देव जो सब में वास करे, निवास जैसे कहते हैं ना जी, इसका निवास जो अंदर, सब के अंदर जो अंतर्यामी रूप से ऋषिकेश भगवान जो है, सब के इंद्रियों का स्वामी, इसे ऋषिकेश कहते हैं, अंतर्यामी, सबका सुरुद, सब में निवास करने वाला, वो जो देव है, वो जो भगवान है, जो सब में वास करे, उसे कहे वासुदेव, पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा। तुमको कृष्ण नहीं कहना है तो मत कहो, कोई मुसीबत नहीं है। तुमको उसको राम कहना है तो उसमें कोई वांधा नहीं है। तुमको उसको देवी माँ कहना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो कहना वो कहो, जिस नाम से कहना उसको भगवान कहना ही नहीं है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो खाली वो गोला है, आग का गोला, निर्गुण निराकार ब्रह्म कहना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है। लेकिन इतना मानो कि एक है ऐसा जो जो सब में है, द कॉमन प्रिंसिपल, द कॉमन थ्रेड, द स्ट्रिंग दैट गोज थ्रू ऑल थियरीज, राइट? सो उसको माने, उसको जाने, एंड देन गिव हिम और हर और इट व्हाटएवर नेम और फॉर्म यू वांट टू गिव और डोंट वांट टू गिव, नो प्रॉब्लम, सच इज द ब्रॉड माइंडेड गॉड। क्योंकि अगले श्लोक में वो कहते हैं यो यो याम याम तनुम, है ना? सो नेक्स्ट श्लोक इज 21, यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति। वो कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग, कृष्ण इज सेइंग इन देयर कि जिसको वर्शिप करना है उसको वर्शिप करो, जिसको जो चढ़ाना है, काला धागा बांधना है तो बांधो, नहीं तो लाल टमाटर नहीं खाने तो मत खाओ, रविवार के दिन ये नियम, मंगलवार के दिन वो पुटाने गोल बांटना है बांटो, जो करना है करो, जो मिन्नत माननी है मानो, जो मांगना है जिसको मानना है, सिंदूर चढ़ाना है, तेल लगाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स हाउ ब्रॉड माइंडेड, क्योंकि कहीं तो मन लगा रहे हो, कहीं तो श्रद्धा है, कहीं तो आस्था है, उस सबको उधार कहा भगवान ने, कहीं तो इतना खोपड़ी में इतनी तो भेजे में इतनी ओपन माइंडेड कि मेरे से बड़ा कोई हो सकता है, मेरे से ज्यादा अकल किसी को हो सकती है, मेरे से साफ साफ कोई देख सकता है, होगा शायद। आई एम नॉट द बिगेस्ट इन द ग्रेटेस्ट इन द स्मार्टेस्ट इन द माइटीएस्ट, इतना भी जिसने किसके सामने पत्र के सामने सिंदूर डाल के शरण हो गया तो बहुत शुरुआत हो गई, अच्छी अच्छी शुरुआत हो गई, शुभ संकल्प हो गया। तो इसलिए कहा कि जिससे जो भी मिन्नतें मानते हैं, जो भी मिलता है, जिससे जो भी प्राप्त है, भगवान कहते हैं मेरे से ही आता है। कोई सीईओ कोई ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा नहीं कहेगा कि तुम अपने सुपरवाइजर की बड़ाई ना करो, मेरे चमचे बनो, सब ये 16,000 एम्प्लॉयज है ना मेरे, तो 25,000 एम्प्लॉयज है, सबके सब खाली मेरे को ईमेल भेजो, मुसीबत आ जाएगी, सारे के सारे मेरे गुणगान गाओ, फिर तो मैं बोनस तुमको बोनस दे दूंगा, रेज दे दूंगा, सब करा दूंगा। वो अपने सुपरवाइजर को, मैनेजर को, डायरेक्टर को, टीम लीड को मत पूछो, वो थोड़ी है, मैं तो बजट तो मैं अप्रूव करता हूँ, वो सारा वो सारे कनेक्शन तो मैं ला रहा हूँ। आई एम द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, आई एम द सीईओ, मैया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कंते जगत परिवर्तते। भगवान दसवें अध्याय में विभूति योग में कहेंगे मई अध्यक्षेण, अध्यक्ष बीच वाला मैं हूँ, आई एम द प्रेसिडेंट, I preside over this entire cosmos, Arjun. Mai adhyakshena prakriti. Whatever is in the nature, in nature, suyate sacharacharam. Aaj tak jo banaya aur jo banega, char ho, achar ho, chetna ho usme ya dead matter. Hetu na anena kaunte. Aur dusra koi cause hi nahi hai mere siva. Jagat vyaparivartate. Itna dhadake se, maine bola na, ye iski diwali shuru hoti to phuljadi se nahi shuru hoti. Iski ulti shuru hoti, ekdam. सुतली बाम, लक्ष्मी बाम, धड़ाधड़ सब सबका मन आकर्षित कर ले, इसलिए नाम इसका कृष्ण है, कर्षति आकर्षति, ऐसा आकर्षण कर ले कि फिर छूट ना पाए। ये काला क्यों है? ब्लैक होल है, कृष्ण काला रंग, जो ब्लैक होल से लाइट तक नहीं छूट पाए, इतनी डेंस ग्रेविटी, इतना पावरफुल अट्रैक्शन, राइट? जो ब्लैक होल में जाए वो कभी छूट नहीं पाता। दैट सच इज हिज माइट ऑफ अट्रैक्शन, दैट पावर ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि सच इज इट्स ग्रेविटी, इसका गांभीर्य, इसका धैर्य, इट इज द ग्रेविटी दैट अट्रैक्ट्स, गुरुत्व आकर्षण शक्ति। व्हाई? बिकॉज सच इज हिज कोलोसल मास,
That's how all pervading he is. Vishnu naam hai uska. Vishwa ke anu anu mein jo vyapt sa Vishnu. Vishwa ke anu anu mein vyapt. Apt matlab apna andar wala. Hum kehte na apt purush apne apt jan hai. Vishwa ke anu anu mein kaisa vyapt hua. फैल गया अपना कोर में जो है विश्व के इन एवरी सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो विश्व इससे कैसे छूटे कौन छूट पाए यही तो सब कुछ है ना तो ये खाली ये इस बात को कोई प्राप्त नहीं करना है मिलाना नहीं है कुछ कर्म करके इसकी प्राप्ति नहीं इसको खाली जानना है इस बात को खाली समझना ऑलरेडी है ना इस मार्ग से जाकर के तो इसलिए फिर भगवान ने कहा था कि वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ था सुदुर्लभ बड़ी मुश्किल से मिल पाता है जो बड़े से पहाड़ पे चढ़ गए चोटी पे पड़ गए और आंख पर पट्टी बांधी और सुई थी हाथ में और सुई फेंक दी और बोलो पट्टी खोल के बोला जाओ सुई को ढूंढ के निकाल के लाओ जितने जन्म लगेंगे लगने दो लेकिन सुई को निकालो ऐसा तो बहुत रेयर रहेगा जो सचमुच में किसी हजारों हजारों जन्मों के बाद सुई को ढूंढ के निकाले ऐसे कहा और फिर इस श्लोक में कहा था तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम् जिस किसकी उपासना करना चाहते हो करो कोई मुसीबत नहीं है वो सब मेरे से ही आता है अंत में सबका बजट मैं ही अप्रूव करता हूँ अंत में सारी पॉलिसीज को उस पर साइन ऑफ मेरा ही होता है और ये एडमिनिस्ट्रेटर्स मैंने रख के रखे है to maintain sanity in the way the structure is organized. So no problem, just stay aligned with your supervisors. Stay aligned with, follow your division's policies. But know though, in the end, that they all roll up to me. I'm the holder, I'm the holding company. They all profit losses rolls up to me. Do not forget that. Now, agar koi uska hi mitra ho, uska hi dost ho, or Bill Gates ka beta Microsoft mein kaam karta hai, तो अपने सुपरवाइजर को तो माने लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम है तो अपने बाप को तो घर में तो पूछ सकता है वो क्यों कैसा इसका क्या करे ऐसा क्यों वैसा क्यों इधर का उधर करा दो उसका बाप तो एक झटके चुटकी बजा के उसको ट्रांसफर करा दे सकता है जब प्राइम मिनिस्टर को मिलने जाना हो तो चपरासी अपने अपने मेयर अपने गाँव का मेयर उसको फिर चीफ मिनिस्टर और उसकी फिर प्राइम मिनिस्टर की चपरासी तक जाओ फिर उसके 10 बार चक्रे लगाओ फिर पहुंचे लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर का ही पहचान वाला हो तो उसका भांजा हो चचेरा हो तो अपना फोन लगाए नरेंद्र अंकल वो केम छो तो ऐसी बात है कि इट्स ओके इफ यू वांट टू गो तो लेकिन जो ये बात मत बोलो कि मैं भगवान कह रहे हैं अल्टीमेटली आई एम द वन एंड आई इनवाइट यू ओपन डोर पॉलिसी उसकी आई इनवाइट यू टू कम डायरेक्टली टू मी मत भक्ता यान्ति माम अपी मेरे भक्त डायरेक्टली मेरे तक पहुंच जाते किसी को रोका नहीं है सब कुछ आके मेरे पास सीधे आ सकते इसलिए that is by the way the path that I picked contact trying to establish contact with him straight up rather than second connection third connection fourth connection fifth connection why not connect directly hey you will you connect with me Krishna पूछ के तो देख यार कैसे तुरंत जवाब आता है what do you mean dude I'm already connected जवाब आएगा I'm already connected. Look within. Sit still and know that I am God. Jesus ne kaha, shant ho jaye. Andar jaake dekhe, wo antaryami, wo surud, wo rishikesh. Pehle se ban, wo hi to dekh raha hai aankhon se. Wo hi to keh raha hai us jiva se. Wo hi to sun raha hai us karnon se. Dusra hai hi kaun? Apne andar us kaano bho kar le. तो फिर सब में प्रेम सो इतना हुआ था इसके बाद फिर अभी नहीं करेंगे क्योंकि दैट्स व्हाट वी पिक्ड अप 28 से लेकर के 29-30 तो फिर से वही करे तो मेरे को पागल समझ के आना ही बंद कर देंगे लोग इसलिए वी विल स्टॉप देयर ब्रह्मिष्ठ हो गया कहेंगे ब्रह्मनिष्ठ की जगह पे ब्रह्मिष्ठ हो गया करके इल्यूजन में फंस गया सो इन कंक्लूजन यहाँ पे भगवान ने थोड़े से लोडेड वर्ड्स फेंक दिए थे एकदम आखिरी में साधिभूत साधि यज्ञ ये वो है ना जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव व्हाट इज अध्यात्म व्हाट इज अधिभूत व्हाट इज
Adideva. What Arjun says stops him in the 8th chapter when we will start. Kim tad brahma, kim adhyatmam, kim purusham, kim karma purushottama. ये आठवें अध्याय के शुरू में आठ प्रश्न पूछते हैं, एकदम धड़ 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 प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हैं। जैसा वो बेटा आता है ना, अपना बच्चा आता है, वो वाई 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 व्हाट इज दिस व्हाट अबाउट द न्यू टू स्लो वेट 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 वन एट अ टाइम। ऐसे आठ प्रश्न एक एक ही श्वास में पूछ लिया, आठ प्रश्न। अध्यात्म क्या आता है, पुरुषोत्तम क्या आता है, यज्ञ क्या आता है, कर्म क्या आता है, आत्मा क्या आता है, कर्म का फल कौन देता है। तो फिर भगवान उसका उत्तर देना शुरू करेंगे कि ओ प्रयाण काले च कथम केयोस्य नियतात्मभि। आखिरी आठवां प्रश्न अर्जुन पूछते हैं अक्षर ब्रह्म योग में कि मरते समय तुम कैसे जानने में आते हो, क्या करें हम ताकि मरते समय भी तुम्हारी याद है और ज्ञान मिट न जाए, ब्रह्म की जगह पे भ्रम अचानक ना आ जाए। उसका उत्तर देना जब शुरू करेंगे भगवान, वो आठों को भगवान एक ही सांस में आठ का उत्तर दे देते हैं और फिर आठवां अध्याय पूरा धीरे धीरे एक 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 समझाते हैं। तो वो होगा आठवां अध्याय। इसके पहले आज दोपहर में सुबह थोड़ा एक घंटा पहले सत्र हुआ था वो दूसरे ग्रुप का, मैरीलैंड वालों का, इसमें हमने दूसरा अध्याय समाप्त करके तीसरा अध्याय प्रारंभ किया कर्मयोग। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी कम बैक टू गीता रिफ्लेक्शन वी विल आई एम थिंकिंग मोस्ट लाइकली गो बैक टू थर्ड चैप्टर। वी विल डू थर्ड एंड एट्थ एंड देन फोर्थ एंड नाइन्थ सो दैट लेट मी सी समवन इज okay yeah so sorry I was reading the chat to taki jo shuru se kar rahe unko thoda shuru ka aur jo pehle advanced hai unko ye bhi pata chalne lag jaye. Ek minute, sorry I'm controlling now. The karma yoga thoda si maine glimmer already de di, we're coming to the end of this session by the way. Karma kyun kare iske vishay mein, there was a question asked. You can also ask questions offline. There was a question asked at the end of last session. This came from the southwestern region of the United States. The question was ki to phir gyan ka hi matlab hai, kareeb kareeb aise hi prashna Arjun ne bhi pucha tha teesre adhyay mein, to phir karma nahi kare kya. And more so it was a qualified question ki should we ever seek promotion या तो कर और धन के प्राप्ति या अपने बच्चों के पीछे उनका भेजा चाटे क्या कि और पढ़ाई करो, अच्छे स्कूल में मिलेगा तुमको फिर अच्छा होगा, ये सब कुछ करे या जो जैसा नहीं वैसा ही करे। सभी को ये प्रश्न होता है, अर्जुन को भी ये प्रश्न हुआ था। तो उस मैंने उनसे कहा था कि मैं अगले सत्र में संक्षिप्त में उसका उत्तर दूंगा एंड देन व्हेन वी गेट टू द थर्ड चैप्टर दैट्स ऑल द थर्ड चैप्टर इज अबाउट कर्मयोग राइट। सो अगेन जस्ट टू समराइज द क्वेश्चन वॉज should we even do anything, why bother doing anything, how should we know how much to do, what to do, something like that right, some version, some variation on that. So to respond to that right now and then we'll get into the details later is that jo hamara janm manushya janm isliye hua hai gyan prapti ke liye. Gyanon mein sabse bada gyan hai apne atma gyan, isko sa vidya ya vimuktaya पंचदशी नाम का एक ग्रंथ आता है उसमें आता है विद्या तो वही है यार, ये क्या ये इंजीनियर बन गया वकील बन गया इधर उधर ला उधर का ला, ये ज्ञान ठीक है लेकिन सच्चा ज्ञान वो है जो विमुक्त अच्छी तरह से मुक्त कर दे, फ्रीडम में लगा दे। फ्रीडम कैसा, यह सर्जित तर सर्गे ये शाम साम्य स्थितम मना धुरंधर श्लोक पांचवा अध्याय ज्ञान ज्ञान कर्म संन्यास योग स्मॉल बट ए बुलेट एज दैट पावरफुल तैर्जित सर्गे ये शाम साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मा ब्रह्मणिते स्थिता। कि उसने सारा संसार अभी अभी इस क्षण जीत लिया, ये भगवद गीता के पांचवें अध्याय का श्लोक है। इह एव यहीं पर अभी, इह इज यहां, एव राइट नाउ राइट हियर, सर्जित जो कुछ भी सर्जन हुआ जो कुछ भी बना हुआ है, तैर्जित उस सब को जीत लिया, ये शाम जिसने जिसका साम्य समता में स्थितम मन, जिसका मन समता में स्थित हो गया है ना। पिछले बार जब हम लोग रिएक्शंस ले रहे थे तब हमारे बीच जो ट्रांसप्लांट सर्जन ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी कि उन्होंने व्हाट ही हैड पिक्ड अप वाज अचलम आपूर्यमाणम अचलम समुद्रम के लिए खाते की दम इमूवेबल। It was a very nuanced, very, very rich understanding of that. Oh, idhar udhar hilta dulta nahi hai.
अनशेकेबल, इमूवेबल, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, राइट। वो हिलता डुलता है लेकिन मतलब पूरा का पूरा समुद्र इधर से उधर नहीं जाता, उसके अंदर हिल रहे हैं लेकिन द होल थिंग डज नॉट। तो ऐसे ही जिस ये जो जो भ्रम की बातें चल रही, माया की बातें चल रही, गुण है ना, देवी ऐशा गुणमयी मम माया, ये इतना ही काम करती है। माया खाली इतना ही कर रही है कि हमारे मन को विचलित कर रही है, हिला डुला रही है, कुछ अच्छा दिखा के कुछ बुरा दिखा के, द्वंद्व उपस्थित करा के गुणों की उत्पत्ति से। तो ये बहादुर योगी जो इनमें सम रह पाए, अचल रह पाए, इनमें हिले डुले, इनके साथ बह नहीं जाए, अच्छे को अच्छा मानकर बुरे को बुरा ना मानने लग जाए, है ना, ये जिसने कर लिया भगवान के पांचवे इहैव तैर्जित सर्गे येषां साम्ये स्थितं मनः, जिसका मन समता में स्थित हो गया, उसने सब जीत लिया, वो जगत जीता हो गया। क्योंकि निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म जो है वह निर्दोष है, इसमें विकार नहीं, इसमें गुण नहीं, इसमें द्वंद्व नहीं है, अच्छा बुरा नहीं है, एकत्व है, होमोजेनिटी। एकत्व मतलब क्या है? होमोजेनियस है, इक्वालिटी है, इक्वेनिमिटी है, सेमनेस है, एकता है, समता है। तस्मात ब्रह्मणि ते स्थित, वो तो उसमें ही स्थित है। तो ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए समता कहिए, ज्ञान समता को ही ज्ञान कहते, कि ये कैसा है कि मैं अचल हूं, मुझ में कुछ विकार नहीं, मुझको कुछ नहीं होता, कुछ भी हो जाए मेरे इर्द गिर्द बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा। उसी श्लोक के अगले श्लोक में कहते कि नेवर डिपेंडेंट ऑन एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कंप्लीटली फ्री, बंदर कि नहीं उछल कूद न करे, किसने प्रशंसा करी तो अच्छा मान लिया, छाती ठोक लिया, और किसी ने कुछ निंदा करी तो डिप्रेस हो गया, किसी क्रोधित हो गया, ऐसा कुछ न हो। या तो कुछ खाने को मिला तो अच्छा लगा, खाने को न मिला, बाहर का कुछ भी, बाह्य स्पर्श स्टिमुलस सेंसेशन, असक्त आत्मा, कंप्लीटली रिड ऑफ एनी कनेक्शन, एनी डिपेंडेंस विद एक्सटर्नल स्टिमुलाई सेंसेशन। ये जानने के लिए जन्म लिया, मनुष्य जन्म लिया, जिसके लिए कर्म करने हैं, ये एक ही कर्म करना है। और ये क्या कर्म के पीछे पड़े, प्रमोशन मिल जाए, बच्चे को इधर एडमिशन मिल जाए, लेकिन ये करना नहीं क्या फिर, ये प्रश्न था। हाँ, उतना ही करे, प्रमुख और गौण कर्म, सारे कर्म जो अभी हम प्रमुख समझ रहे, संसार के सारे कर्म गौण कर्म, इनफेरियर सेकेंडरी immaterial doesn't matter, हो जाए तो भी कुछ नहीं, न हो जाए तो भी कुछ नहीं, उनके होना न होना सब न होने के बराबर है, क्योंकि उनके अस्तित्व ही नहीं है, make believe world है। प्रमुख कर्म की ओर ध्यान रखे, प्रमुख वो जब तक न छूटे अपने हाथ से, उससे जब डिस्ट्रैक्ट न हो, उसके उसको पकड़ के जितना प्रमोशन कमा सकते उतना प्रमोशन करे, उसको बिना छोड़े जितना बच्चों के पीछे पढ़ सकते उतना पढ़े, उसको छोड़े बिना जितनी यात्रा वेकेशन ले सकती करे, लेकिन जिस क्षण उस बाहर की यात्रा में, उस प्रमोशन में, उस बच्चे को भेजा चाटने में फिसल गए, उस समय सर्वनाश। फिर से पकड़ ले फटाक से गीता के गार्ड रेल्स को पकड़ ले, दो गार्ड रेल्स का, ये स्लिपरी स्लोप है भैया, ये बातें कई बार कही है सेशनों में, कि स्लोप पर चढ़ना एक तो मुश्किल है, स्लोप से उतरना मुश्किल है, या तो स्लिपरी हो तो भी मुश्किल है, और तो स्लिपरी स्लोप हो तो बहुत ही मुश्किल है, स्लोप भी है और स्लिपरी भी है, संसारे द खालम। तो लेकिन इसके अराउंड अगर गार्ड रेल्स हो दो हाथ पकड़ के, एक गीता का गार्ड रेल, एक ध्यान का गार्ड रेल, आई एम शेयरिंग माई स्टोरी विथ यू, थोड़ी गीता थोड़ा ध्यान, थोड़ी गीता थोड़ा ध्यान, थोड़ी गीता थोड़ा ध्यान, ये अगर रोज गार्डरेल को पकड़ के उतरे तो स्लिपरी स्लोप से भी निकल सकते है ना। तो अगर मैंने जैसे पहाड़ की बात करी थी, पहाड़ पे ऊपर चढ़ के सुई फेंक दी नीचे, अब तो चलो लेके आओ उसको वापस, यही तुम्हारे जन्म का प्रयोजन है, ढूंढो और लेके आओ ऊपर वापस, तो एकदम धड़ 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 दौड़ते नहीं जाएंगे पहाड़ से नीचे उतर के, क्योंकि दिख गई थी कहाँ गिरी है, क्योंकि वो सुई तरह के बैगे खुद सुई से ज्यादा खुद गिर जाएंगे, फिर तो और मुश्किल होगी, सुई भी गुम हो जाएगी, पकड़ना भी नहीं और खुद भी नहीं, तो अब तो उतना ही धीरे धीरे, लेकिन जल्दी जल्दी भी जाना पड़ेगा, और उस दिशा की ओर ही जाना पड़ेगा, दूसरी दिशा की ओर नहीं जाना पड़ेगा, और नजर भी रखनी पड़ेगी उस पर। तो हाउ केयरफुली विल यू ट्रैवल टुवर्ड्स दैट नीडल,
that you have been asked to bring back. You will go as only as fast as you can, so long as you can go carefully without falling. You will only go as fast and as much as you can without losing sight of that which you are seeking. Different people may have different capabilities. Someone might be athletic. Someone might have good eyesight, bad eyesight. Someone might be easily distracted. Someone might have family up above. Someone may be by themselves. Different people will have different combinations of capabilities, but every one of them has one goal. Do not lose sight of that which you search for, that which you think you have lost. Go get it. Knock yourself out. कोई भगवान को कोई जल्दी नहीं, ऐसा नहीं कहा इतने ही जन्म है इसमें करना है. कितने जन्म? अनंत जन्म कहा. Endless, infinite. तो मां उत्तर में इतना ही कहूंगा कि इतना ही प्रमोशन के पीछे पड़े, उतना ही कार्य करे, उतना ही धमाधम, उतनी ही अपनी जीवन शक्ति व्यर्थ वाया गवाए, खर्च करे, जब तक ये अपने प्रमुख उद्देश्य को न भूले. फॉरगेटफुल न हो जाए, डिस्ट्रैक्टेड न हो जाए, भ्रम में न पड़े. उसको रख करके जितना पैसा कमा सकते कमाए, जरूर कमाए, उसकी कुछ कोई मुसीबत नहीं. जितना सुख कमा सकते, जितना नाम कमा सकते, जितनी पुत्र की ऐशना है ना, वित्त की ऐशना, लोक की ऐशना, लास्ट सेशन की करे. लेकिन भैया वो कृष्णा को भूला कर नहीं, कृष्णा को पूरे देर याद रख करके जितनी ऐशना तृप्त कर सकते करो. और बुद्धिमानी उसमें भी, जिसने कृष्णा को अपनी ऐशना बने, उसको बाकी तृष्णा की जरूरत ही नहीं, कोई प्रमोशन की नहीं. देखो जब वाशिंगटन गैस में मैं था, जब व्हेन आई वाज इनवाइटेड टू एक्सेप्ट द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पोजीशन, आई एक्सेप्टेड इट. है ना, घृणा भी करने की जरूरत नहीं, उससे भागने की भी जरूरत नहीं. और व्हेन द टाइम केम टू लीव दैट, आई लेफ्ट इट. है ना, कोई आई वर्क फॉर अ डिफरेंट कंपनी एट अ डिफरेंट रोल डूइंग डिफरेंट थिंग्स. सो जिस समय जो है अपनी यात्रा में जो समय सामने आए वो अच्छी तरह से स्वीकार करे, वही तो समता है. लेकिन अपने प्रमुख उद्देश्य को ना भूले. प्रमुख उद्देश्य को जिसने भूला वो सब भूल गया, वो तो भूला हो गया, भूल गया, मूड हो गया ना. तो डू योरसेल्फ अ फेवर, ओनली डू एज मच एज यू कैन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द मेन पर्पस ऑफ लाइफ फॉर व्हिच यू हैव बीन बॉर्न. सो आई विल स्टॉप हियर. वंस वी गेट टू द थर्ड चैप्टर, फिर तो भगवान की वाणी में सुनेंगे उस बात को. So I will stop recording here and we will get to the best part of the program. We will get to hear from you again and I will get to shut up. So let me look for the record button. Okay, I'm going to start. Okay, so Ashwini Bhai from Westminster, Maryland, aapki pratikriya share kare. Yeah, we skipped dhyan today. Unless you all want, you can share. If you want, we can recap this through dhyan for 5 minutes, or we can go straight to, what would you prefer? Someone chat me or someone show me some sign or say something. Chalo, maine sabko unmute kar diya. Pigeon invaded, for sure. Kyun? Koi kuch nahi kehna chahta hai? I think I have unmuted everyone, right? Dhyan would be nice. Okay, I take it as a thumbs down. Aaj dhyan ko skip karne ki ichha ho. Have something new to bring up. Which is fair. Like the money, so has, let me go back and mute everyone. Again. Sorry for putting up with me. It's so much variation it creates, and people who, whatever they feel comfortable of, like you feel it, right? This flow is good for me. This works best for me. So people get a lot of variations of those. So in that way, I was like, yeah, it's good. Aparna, Aikvetaka. Hari Om, yes. Yes, I can hear. Can he not hear us? Hello? I have unmuted everyone. I hope it's working.
No, I can, Jitu bhai, agar aap sabko unmute karke ek ek ko unmute kare to that would be better. Instead of unmuting everyone, first mute everyone and then unmute whomever you want. I don't think can anyone say something. I don't know if you can hear us. We can hear each other. Like, I can hear other people, but I don't know if he can hear us. Aparna ma'am, can you hear me? And particularly when I'm doing something, they want that. It, like, Aparna, are you able to say anything? It happens like they want my attention. Hariom, I don't think Jitu is hearing us. Yeah. Yeah, I don't think he's hearing us either. Can you guys hear me? But I have unmuted you, Aparna, from my side. Tujha side ni muted hai ka? Yeah. Yes, now. Can you hear me? Yeah, thanks. Please join us. You cannot hear us. Is anyone else able to speak such that we can hear? One thing, no. Srini ji, I just observed, like, Aparna ma'am, can you hear me? Even have different style. Yes, I was saying personally, that was my personal opinion. Mohini, yes, Mohini, I see a chat. I don't know if something is wrong with you. First, yeah. Something is wrong with me. Next, you do pranayam. Like, you do some stretches, then you do pranayam and end with savasana. Like, it goes variation. Like, Umaji today started with pranayam. So, it gives different flow. Okay, how about Madhavi, can you hear okay. us? Yeah, okay. Sunaidara? Yeah, we can hear you. Can you hear us? Hame sunai de rahe, Jitu bhai, aap hame sunai de rahe. Aap ko hum sunai de rahe. Yeah, we can hear you. Okay. I just don't think Baba can hear us. Okay, ne sunai de rahe, Aparna? Yes. Okay, so why don't you talk now? Yeah. Can you hear me? Yes. Okay, perfect. Can everyone else hear me? Yes, yeah, but now go ahead. Okay, good. So I think some people were saying that we should go to Dhyan after this, Jitu. Okay. I think Jitu bhai, aap mute kar do kisi ko jo baatein ho rahi hai na piche jo koi banda bol raha hai usko mute kar de aap shayad. You have to find out who that is. So Aparna, let's do this because I wasted a lot of your time and it's 5 o'clock. I unmuted you. I have muted finally succeeded in muting everyone else. आप लोग कमिट करो कि आप अपने आप ध्यान कर लो एक दूसरे के साथ, है ना? जो भी आज सुना, what did you pick up from today's session and how can you use it in your personal life? Jai Shri Krishna, I think from today's main thing was to see everyone in a roop of Krishna and spread love. Love is more powerful than anything else, even though under these circumstances, and I'm feeling that from tomorrow when I see my patients, even though they have COVID, my love to treat them will not be different. I will not be afraid and fearful of going in those rooms and treating them. I will be wise enough to use the precautions, but love will supersede all that. The second thing I picked up is the judgment. I will reduce my judgmental mindset, especially with the